हमेशा याद रखो मैथ्स में क्वेश्चन को आराम से तो यार सब आपको आता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मला सेमी सर्कल का सर्कम्फ्रेंसाना नहीं बना आपको सब कुछ आता है क्वेश्चन को आराम से रीड करो और जितना कर सकते हो उतना करो जो मिनट हैंड होता है वो एक मिनट में छह डिग्री मूव करेगा तो मुझे बताओ तो पांच मिनट में कितना मूव करेगा दो रीडर्स और आर्क मिलके जो शेप बनाते हैं उसको आप सेक्टर कहते हो तो कुछ पिज्जा साइप पिज्जा टाइप का आपको दिख रहा होगा पिज्जा टाइप का क्या निकालना है वो एरिया ऑफ सर्कल अच्छा एरिया ऑफ अ सर्कल निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मला पाई आर स्क्वायर होता है तो एरिया निकालने के लिए आर पता होना चाहिए अच्छा हाय क्या हाल चाल मेरे दोस्तों आई होप आप सब तो एकदम बढ़िया होंगे मस्ती कर रहे होंगे मजे कर रहे होंगे चिल कर रहे होंगे आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत शुरुआत क्या वन शॉट में खत्म करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के हमारे दस चैप्टर इस उड़ान यूट्यूब चैनल पर हो चुके हैं वन शॉट में एकदम बेहतरीन तरीके से आपको करवाए गए भैया रिस्पॉन्स भी आप लोगों ने काफी अच्छा करा आज हम लोग एरिया रिलेटेड सर्कल देखने वाले ठीक है अब दो तरीके का बच्चा होता है ठीक है आप उस तरीके का बच्चा बनो जो सही में इस वीडियो से बहुत सारा इंफॉर्मेशन गैदर करके जाए मैं आपको वादा कर रहा हूं मैं आपको वादा कर रहा हूं इस वीडियो के अलावा आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ट्यूशन क्लास या फिर स्कूल के टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई आपने किसी रीजन की वजह से इस वीडियो क्लिक करा ना आप सही में चाहते हो ना कि ये चैप्टर मुझे कोई टीचर अच्छे से समझा दे ये चैप्टर में जितने भी फॉर्मुलिस कोई टीचर अच्छे से बता दे इस चैप्टर के सारे इक्वेशंस एक वीडियो में मिल जाए तो बोर्ड एग्जामिनेशन पूछ सकता है ठीक तो है जो आपका में आ सकते हैं। तो वेलकम 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 एवरीवन टू तो द द्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला मेरा नाम मिश्रा मैं हूं आप सबको मैथमेटिक्स मेंटर आपका दोस्त आपका बड़ा भाई जो आपके दिल से है वो आप कहिएगा ठीक है तो शुरुआत करते हैं भैया एरिया रिलेटेड सर्कल से अच्छा अब जो मुझे जानता है उसको पता है कि भाई मेरे साथ हमेशा ये स्लाइड रहती है अब ये चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बात करूं तो ये चैप्टर दोस्तों बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है बस इस चैप्टर में ना कैल्कुलशन थोड़ी सी ज्यादा होती है कैलकुलेशन का मतलब कुछ ऐसा आएगा थर्टी एट पॉइंट फाइव इंटू ट्वेंटी तो आप लोग को डेसिमल मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए अगर आप लोगों से बोला सेवेंटी सेवन बाई फोर करने का तो आपको ये करना आना चाहिए बस बेसिक सी कैलकुलेशन है और पूरे चैप्टर में बस सिंपल फॉर्मुलेस है फॉर्मुलेस अप्लाई करने खत्म बात ठीक है खैर बताऊंगा सबसे पहले आज उसके बाद सेक्टर सर्कल का मतलब क्या होता है? आप लोग के लिए चीज नहीं है और सेगमेंट ऑफ अ सर्कल का मतलब क्या होता है अगर मैं सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं क्योंकि ये वीडियो मैं मैं सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ा रहा हूं सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक छोटी सी चीज डिलीट हो गई है। एरियाज़ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेनि पहले दोस्तों सर्कल से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स को समझते हैं ठीक सम है सर्कल की डेफिनेशन जानते हैं क्या सर आएगी क्या आएगी नहीं पर चलो समझ लेते समझना दोस्तों एक फिक्स्ड पॉइंट से सर्कल क्या होता है बताता हूं सर्कल क्या होता है सर्कल होता है बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन सर्कल होता है बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन सर्कल सर्कल क्या होता है? होता है है बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन बहुत सारे पॉइंट के कलेक्शन को बहुत सारे पॉइंट के कलेक्शन को सर्कल कहते हैं पर ये पॉइंट्स कैसे हैं बताता हूं एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड दूरी पर एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड दूरी पर मान लो दस मीटर दूरी पर यह पॉइंट होगा दस मीटर नहीं दस सेंटीमीटर दस सेंटीमीटर दूरी पर यह पॉइंट होगा 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 आप ऐसा समझो मैं फिक्स्ड पॉइंट हूं मैं फिक्स्ड पॉइंट हूं मैं फिक्स्ड पॉइंट हूं मेरे से दस मीटर दूर एक पॉइंट है मेरे से दस मीटर दूर एक पॉइंट यहां पर है मेरे से मीटर दूर एक पॉइंट वहां पर है मेरे से दस मीटर दूर एक पॉइंट यहां पर है दस मीटर दूर एक पॉइंट यहां पर दस मीटर दूर एक पॉइंट यहां पर दस मीटर दूर एक पॉइंट वहां पर दस मीटर दूर एक पॉइंट वहां पर तो ऐसे सारे पॉइंट जो मेरे से दस मीटर दूर है ऐसे सारे पॉइंट जो मेरे से दस मीटर दूर है और मेरे अराउंड है अगर ऐसे पॉइंट्स को मैं कलेक्ट कर लेता हूं तो मुझे एक शेप मिलेगा जिसको मैं सर्कल कहता हूं क्या बोला मैंने एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड दूरी पर एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड दूरी पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं अगर आप उनको कलेक्ट कर लो तो आपको एक सर्कल मिलेगा क्या बात समझ आई ठीक है ये होता है दोस्तों आपका एक फिक्स पॉइंट तो अच्छा सर्कल की डेफिनेशन क्या हो गई इट इज अ कलेक्शन ऑफ इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दो इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल आर एट अ

हम लोग सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं समझ में और कोई मुझे बता सकता है इस फिक्स्ड दूरी को हम लोग क्या कहते हैं क्या कोई मुझे बता सकता है इस, इस फिक्स्ड डिस्टेंस को इस फिक्स्ड डिस्टेंस को इस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं इस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं सर्कल का रेडियस क्या बात समझ आई इस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम लोग सर्कल का रेडियस कहते हैं क्लियर हुई बात ठीक है सर तो सर्कल की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई फिक्स पॉइंट को सर्कल का सेंटर फिक्स डिस्टेंस को सर्कल का रेडियस ठीक है अब दोस्तों कॉर्ड का मतलब समझो किसका कॉर्ड का कॉर्ड का मतलब समझिए ठीक है ये किसका मतलब सर्कल का मतलब है ना ये आपके सर्कल का मतलब था अब कॉर्ड का मतलब समझो ठीक है मान लो मेरे पास एक सर्कल है मान लो मेरे पास एक सर्कल है तीन तरीके के पॉइंट्स हो सकते हैं या तो सर्कल के अंदर एक पॉइंट होगा सर्कल के इंटीरियर में या तो सर्कल के, मतलब तो के, तो के, तो के ऊपर एक पॉइंट होगा मतलब सर्कल ऑन द सर्कल या तो सर्कल के बाहर एक पॉइंट होगा भाई या तो सर्कल के अंदर एक पॉइंट होगा या तो सर्कल के ऊपर एक पॉइंट होगा तो सर्कल के बाहर एक पॉइंट होगा ये तीन केसेस हो सकते हैं मानिए अगर मैं ऑन द सर्कल दो पॉइंट्स लेता हूं मानिए अगर मैं ऑन द सर्कल दो पॉइंट्स लेता हूं और उन दोनों पॉइंट को मैं कनेक्ट कर देता हूं तो मुझे एक लाइन सेगमेंट मिलेगा भाई मैंने ऑन द सर्कल मतलब सर्कल के ऊपर सर्कल 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 के 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 ऊपर 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 अगर मैंने मैंने दो पॉइंट लिए और उन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया तो मुझे एक लाइन सेगमेंट मिलेगा उस लाइन सेगमेंट को मैं कॉर्ड कहता हूं उस लाइन सेगमेंट को मैं कॉर्ड कहता हूं क्या बात समझ आई उस लाइन सेगमेंट को अपन कॉर्ड कहता है क्या बात समझ आई मेरे ख्याल से आई हो गया ऐसे इमेजिन मान लो एक पॉइंट यहां ले लिया मैंने एक पॉइंट यहां ले लिया इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा कॉड मिली एक पॉइंट यहां ले लिया एक पॉइंट यहां ले लिया इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा कॉड मिली एक पॉइंट यहां ले लिया एक पॉइंट यहां ले लिया दोनों को पॉइंट को ज्वाइन करा कॉड मिली एक पॉइंट यहां ले लिया एक पॉइंट यहां ले लिया प्याँ दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा कॉड मिली समझ में आया ठीक है सर ठीक है तो एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के ऊपर दो पॉइंट को ज्वाइन करता है एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के ऊपर ऑन द सर्कल दो पॉइंट को ज्वाइन करता है उसको मैं कॉर्ड कहता हूं ठीक है अब दोस्तों डायमीटर समझते हैं क्या होता है ठीक है डायमीटर भी एक लाइन सेगमेंट ही होता है क्या डायमीटर भी एक लाइन सेगमेंट भी होता है सुनिएगा मेरी बात ध्यान से डायमीटर भी एक लाइन सेगमेंट होता है कैसा लाइन सेगमेंटो लाइन सेगमेंटो समझना मान लो दोस्तों सर्कल का सेंटर ओ है ठीक मैंने सर्कल के ऊपर ऐसे दो पॉइंट लिए समझना मैंने सर्कल के ऊपर दो पॉइंट लिए और जब मैं उन दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन करा समझना जब उन दोनों पॉइंट को जब उन दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन करा समझना मैंने सर्कल के ऊपर दो पॉइंट लिए एक पॉइंट एक पॉइंट भी मैंने सर्कल के ऊपर दो पॉइंट लिए एक पॉइंट एक पॉइंट भी अगर मैंने उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा तो इस लाइन सेगमेंट को मैं कॉर्ड बोलूंगा क्यों सर्कल के ऊपर दो पॉइंट होता है लाइन सेगमेंट होती है उसको मैं कॉर्ड कहता हूं सर्कल के ऊपर दो पॉइंट होता है उसको मैं ज्वाइन करता हूं एक लाइन सेगमेंट मिलती है उसको मैं कॉर्ड कहता हूं पर अगर वो लाइन सेगमेंट सर्कल के सेंटर से पास कर रही है अगर वो लाइन सेगमेंट सर्कल के सेंटर से पास कर रही है तो उस कॉर्ड को कॉर्ड तो है ही, उस कॉर्ड को आप डायमीटर कहते हो समझ में आया उस कॉर्ड को आप डायमीटर कहते हो और आपको यहां से एक चीज सीखने को मिलेगी क्या दोस्तों सर्कल तो है सर्कल में एक कॉर्ड हो सकती है एक कॉर्ड ये हो सकती है एक कॉर्ड ये एक कॉर्ड ये एक कॉर्ड ये ये एक कॉर्ड ये एक सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड डायमीटर होती है लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज डायामीटर क्या बात याद रहेगी क्या बात याद रहेगी फिर से बोलूंगा दोस्तों सर्कल के ऊपर दो पॉइंट आपने कनेक्ट करा लाइन सेगमेंट मिला ये कॉर्ड तो है पर ये जो लाइन सेगमेंट है सर्कल के सेंटर से पास कर रही है तो ऐसी कॉर्ड को आप डायमीटर कहते हो और सर्कल में बहुत सारी कॉर्ड हो सकती है सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होगी डायमीटर डायमीटर क्लियर क्लियर हुआ तो डायमीटर भी मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया अच्छा रेडियस तो क्लियर होगा क्या सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है और सर्कल का सेंटर है दोनों को आप ज्वाइन करोगे आपको रेडियस मिलेगा समझ में आए ठीक है तो रेडियस भी क्लियर है अब और क्या सर्कम्फ्रेंस समझ ले सर्कम का मतलब समझो सर्कल के सर्कम का मतलब समझो ठीक है भैया दोस्तों दोस्तों तो समझने की कोशिश करना किसी भी शेप के पेरीमीटर का मतलब क्या होता है अगर मान लो मैंने आपके सामने एक स्क्वायर बनाया अगर मान लो मैंने आपके सामने एक स्क्वायर बनाया ठीक ओके सर मान लो ये फोर ये फोर ये फोर ये फोर तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा पेरीमीटर पेरीमीटर मतलब क्या किसी भी शेप के पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री किसी भी शेप के पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री मतलब अगर आप उस शेप में बाउंड्री बाउंड्री में चलें सिर्फ बाउंड्री बाउंड्री में अगर आप एक बार चलें तो आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे 4 4 4 4 16 समझ में आया समझ में आया किसी भी शेप के पेरीमीटर का मतलब उसकी बाउंड्री की लेंथ किसी भी शेप के पेरीमीटर मान लो मैंने ऐसा कोई अटपटा सा शेप शेप बना दिया तो इस शेप के पेरीमीटर का मतलब ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ समझ में आया किसी भी शेप के पेरीमीटर का मतलब उसके बाउंड्री की लेंथ किसी भी शेप के पेरीमीटर का मतलब उसके बाउंड्री की लेंथ समझ में आया ठीक है सर अब दोस्तों सर्कल ये सर्कम्फ्रेंस का मतलब क्या होता है सर्कल का पेरीमीटर सिंपल भाषा में सर्कल का पेरीमीटर उसका सरकमफ्रेंस कहलाता है मोटा मोटा आप ऐसा सोचो सर्कल के अलावा कोई भी शेप होगा उसके बाउंड्री की लेंथ को आप पेरीमीटर कहते हो पर सर्कल की बाउंड्री अगर आप नापोगे तो उसको आप सर्कम्फ्रेंस कहोगे सर्कल के पेरीमीटर का अच्छा नाम सर कम्फ्रेंस सर्कल के पेरीमीटर का समझ में आया मतलब आप ऐसा सोचो देखो आप इमेजिन करो समझना ये सर्कल है ये सर्कल है आपने यहां से चलना चालू करा आप इतना चले 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 मान लो मैंने आपको बोला कि आप 10 मीटर चले तो सर्कल की बाउंड्री कितनी दस मीटर की है सर्कल की बाउंड्री की लेंथ कितनी है दस मीटर की सर्कल की बाउंड्री की लेंथ कितनी दस मीटर की मतलब बाहर बाहर लेंथ कितनी मीटर तो सर्कल का हो गया दस मीटर क्या बात समझ आया क्या बात समझ आई ठीक है सर ठीक है और सरकमेंस का फॉर्मूला होता है निकालने का टू पा आर इसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे सरकमफ्रेंस क्लियर हो गया आप ऐसे इमेजिन करो आप लोग खुद सोच के बताना मान लो मैंने एक धागा लिया मान लो मैंने एक धागा लिया मान लो ये धागा बीस मीटर का मान लो यह धागा बीस मीटर का है। इस धागे को मैंने मोड़ के सर्कल बनाया इस धागे को मैंने मोड़ के सर्कल बनाया यानी सर्कमफ्रेंस क्या होगा सर्कल का पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस क्या होगा बीस मीटर धागे तो 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 से बना है ना सर्कल धागा बीस मीटर का मतलब सर्कल की बाउंड्री बीस मीटर की तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस बीस मीटर का ठीक है तो सरकमफेरेंस भी मेरे ख्याल से क्लियर हो गया अच्छा अब आ जाते हैं दोस्तों कोसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या होता है क्या कोसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या होता है ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो पर रेडियस अलग-अलग हो उनको मैं कोसेंट्रिक सर्कल कहता हूं फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक छोटा सर्कल बनाया इसका सेंटर ये मैंने एक बड़ा सर्कल बनाया इसका भी सेंटर ये मैंने एक और सर्कल बनाया इसका भी सेंटर ये है पर इस सर्कल का रेडियस मान लो आर वन इस सर्कल का आर टू इस सर्कल का आर थ्री तो ऐसे सर्कल जिनका रेडियस सेम होता है सॉरी रेडियस अलग होता है सेंटर सेम होता है क्या बोला मैंने ऐसे सर्कल ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है सेंटर सेम होता है पर रेडियस अलग अलग होता है रेडियस अलग होता है ऐसे सर्कल्स को मैं क्या कोसेंट्रिक सर्कल्स कहता हूं बात समझ में आ गई तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा सेक्टर और सेगमेंट तो आपको लेक्चर में बताऊंगा ठीक है अब दोस्तों ये बेसिक टर्म्स हम लोग फॉर्मुले सीखते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मला क्या सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मुला क्या आइए देखिएगा सबसे पहले सबको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला ठीक है भैया फिर सबको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है भैया जी पूरे सर्कल का एरिया पायर स्क्वायर तो आधे सर्कल का एरिया पायर स्क्वायर बाई टू समझ में आए भाई पूरे सर्कल भाई इमेजिन करू ना पूरा सर्कल है इसका एरिया मान लो हंड्रेड मीटर स्क्वायर है तो अगर मैं आधा सर्कल ले लूं अगर मैं आधा सर्कल ले लू मतलब सेमी सर्कल ले लू तो उसका एरिया कितना हंड्रेड का एरिया तो सर्कल का मतलब क्या पहले वो भी सीख लो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अब पहले क्वाड्रेंट का मतलब भी सीख लो देखो मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो मैंने एक सर्कल बनाया ठीक ठीक है सर इस सर्कल को मैंने चार इक्वल हिस्सों में बांटा Osionfish. इस सर्कल को मैंने चार इक्वल हिस्सों में बांटा दो डायमीटर बना के एक हिस्सा होता है वन फोर्थ पार्ट सर्कल फोर्थ पार्ट ऑफ अ सर्कल आपका क्वाड्रेंट कहलाता है मतलब ये वाली चीज आपका एक क्वाड्रेंट होगा ये भी आपका एक क्वाड्रेंट होगा ये भी आपका एक क्वाड्रेंट होगा, होगा और ये भी आपका एक क्वाड्रेंट होगा समझ में आए

अब मैं एकदम डिटेल में नहीं जाऊंगा कि सरकमेंस का फॉर्मला कोई भी सर्कल होगा फॉर्मला होगा टू पायर मतलब उसके बाउंड्री की लेंथ कैसे निकालोगे टू पायर से समझ में आए ठीक है सर अच्छा अब यहां पे दोस्तों सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर की बात करता हूं मैं इंपॉर्टेंट क्या सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का

पूरे सर्कल का पेरीमीटर यानी सरकमेंस टू पायर तो सेमी सर्कल आधे सर्कल का कितना पायर से टू डिवाइड कर दो पायर बचेगा चला तो ठीक है भैया मैंने माना कि पूरा टू पायर होता है ये पूरा टू पायर होगा ये पूरा टू पायर होगा तो यह आपका टू पायर बायू होगा टू पायर बाय पायर पर दोस्तों सिर्फ इधर थोड़ी चलना है ये जो शेप है उसमें ये भी तो बाउंड्री है यस और नो ये जो शेप है उसमें ये भी तो बाउंड्री है यहां पे भी तो चलोगे ये डिस्टेंस कितना होगा मान लो ये पूरा सर्कल था तो ये डिस्टेंस कितना होगा डायमीटर के बराबर यस और नो यस सर तो ये आपका डी हो गया क्लियर हुआ कहने का मतलब पेरीमीटर कितना आ गया पायर प्लस डी और दोस्तों जो आपका डी होता है वो रेडियस के टर्म्स में टू आर के बराबर होता है जो डायमीटर होता है वो टू रेडियस के बराबर होता है तो कोई भी सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का पेरीमीटर का फॉर्मूला पाईआर प्लस टू आर पाईआर प्लस टू आर समझ में आ गया तो ये आपके सारे फॉर्मुलेस थे आप लोग नोट कर लीजिए एरिया ऑफ अ सर्कल एरिया ऑफ सेमी सर्कल एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्कल सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का पेरीमीटर ठीक है ये कुछ बेसिक फॉर्मुलेस सेक्टर के एरिया का फॉर्मला थोड़ी देर में दूंगा पहले कुछ सवाल जवाब करते हैं बेसिक चलिए क्या लिखा हुआ दोस्तों? है दोस्तों फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल एरिया ऑफ अ सर्कल निकालना है सर्कल्फ्री 22 सेंटीमीटर है बहुत बेसिक सा सवाल है क्या निकालना है एरिया ऑफ अ सर्कल क्या निकालना है वो एरिया ऑफ अ सर्कल अच्छा एरिया ऑफ अ सर्कल निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मला पाई आर स्क्वायर होता है तो एरिया निकालने के लिए आर पता होना चाहिए अच्छा तो आर तो पता ही नहीं है पर क्या पता है हुज सरकमफ्रेंस इज 22 टू सेंटीमीटर समझो मान लो एक सर्कल होगा जिसका रेडियस आर होगा इसका हमें सरकमफ्रेंस दिया जा रहा है 22 सेंटीमीटर मतलब कोई बबुआ अगर यहां से ऐसे चलना, चलना 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 से स्टार्ट करके यहां पर वापस आ जा जाता है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 22 सेंटीमीटर समझ में आ गया अच्छा तो सर्कल का सरकमफ्रेंस दिया है पर हमें एरिया निकालना एरिया निकालने के लिए आर पता होना चाहिए अरे सरकमेंस दिया तो सरकमेंस से कुछ तो करना होगा सरकम का फॉर्मूला क्या होता है टू पा आर तो ऐसा कह सकता हूं कि टू की 22 दोस्तों इस इक्वेशन से आप आर निकाल सकते हो कैसे देखो पाए की ट्वेंटी टू बावन इंटू आर की वैल्यू क्या दोस्तों आर आपको निकालना है या गया ट्वेंटी टू जो भी चीज ऊपर होती है वो नीचे आती है जो भी चीज नीचे होती है वो ऊपर जाती है 22 टू इंटू सेवन डिडेड बाय 2 22 22 72 घटा दोस्तों आ की वैल्यू आ गई 7 2 सेंटीमीटर आर आपका आ गया 7 2 सेंटीमीटर ठीक है भैया अच्छा अब सुनिएगा जरा आगे तो भैया जी एरिया निकालने को बोला क्या एरिया एरिया का फॉर्मूला क्या पाई r2 इससे बेसिक क्वेश्चन नहीं हो सकता 22 7 और r कितना भैया r कितना भैया r आपका 7 2 7 2 सर दो बार 7 2 क्यों लिखा

क्लियर है तो सरकमफेरेंस दिया उससे आप रेडियस निकाल सकते हो याद रखो सरकमफेरेंस दिया रेडियस निकाल सकते हो रेडियस निकाले तो एरिया आप निकाल ही सकते हो चलिए बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा पहले आइए रीड करिए भैया क्वेश्चन आराम से क्या बोल रहे हैं इफ द पेरीमीटर ऑफ अ पेरीमीटर मतलब बाउंड्री की लेंथ पेरीमीटर मतलब बाउंड्री की लेंथ इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल प्रोटेक्टर इज 108 सेंटीमीटर तो एक सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर होगा इसका आपको पेरीमीटर दिया जा रहा है सेंटीमीटर जीरो पेरीमीटर मतलब कोई बंदा अगर इधर से चलना स्टार्ट करता है चलता है चलता है वापस यहां पर आता है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर करा वो इसका पेरीमीटर होगा अच्छा अब हम सब जानते हैं अब हम सब जानते हैं भाई ये मान लो कोई यहां से इधर आया तो कितना चला उसने पाई आर चला और, और मान लो कोई कितना चला इसका मतलब कितना चला वो टू आर के बराबर Yes no. तो किसी भी सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का पेरीमीटर का के ऐसा कुछ दिया हुआ प्रोटेक्टर डायमीटर निकालना डायमीटर निकालना डायमीटर निकालना है, तो अगर आर निकल जाएगा तो डायमीटर निकल जाएगा आर का डबल कर, कर देंगे डायमीटर हो जाएगा ठीक है भैया अब कैसे करें सिंपल तो है देखो ना इस इक्वेशन से आप आर निकाल सकते हो मैंने आर कॉमन लिया अंदर आराम से दोनों के पास आर था अगर मैं आर बाहर निकालता हूं तो यहाँ पे बचेगा पाए यहाँ पे बचेगा टू ये हो गया वन जीरो एट आराम से दोस्तों ये पाए की वैल्यू ट्वेंटी टू बाय सेवन रख दीजिए प्लस टू आराम से एकदम यहाँ पे आ गया आर यहाँ पे आ गया वन जीरो एट दोस्तों टू के नीचे वन सेवन और वन केवन के बेसिक ठीक है 7 में क्या मल्टीप्लाई है 1 तो 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करा इंटू ट्वेंटी टू बेसिक सा सवाल इसलिए मैं बहुत कैजुअली निपटा दे रहा हूँ कैलकुलशन ट्वेंटी थर्टी सिक्स इंटू सेवन यहाँ पे इंटू आर और यहाँ पे वन जीरो तो तो आर की वैल्यू निकालने के लिए 108 के साथ सेवन मल्टीप्लीकेशन में जाएगा 36 जाएगा 36 बन जा, 36 जा, अगर आपको टेबल नहीं रखा जाए तो आपका रेडियस आ गया ट्वेंटी वन सेंटीमीटर इसका मतलब ये दिस इंप्लाइज ये दिस इंप्लाइज का साइन होता है आर इतना तो डायमीटर कितना टू आर के बराबर तो तो डायमीटर आपका आ गया 42 सेंटीमीटर ये आपका दोस्तों फाइनल आंसर इजी क्वेश्चन था ठीक है भैया ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एक मार्क्स में यूजुअली आइए अच्छा क्वेश्चन है ये भी बात बहुत आसान है ठीक है अच्छा एक बात बताओ मान लो मेरी एज पच्चीस साल और आपकी एज पंद्रह साल तो किसकी एज बड़ी है सर सिंपल है आपकी एज बड़ी मतलब मेरी एज बड़ी है कितनी बड़ी है मेरी एज पच्चीस साल आपकी एज पंद्रह साल मेरी एज पच्चीस साल आपकी एज साल मेरी एज आपकी एज कितनी बड़ी है मेरी एज आपकी एज कितनी बड़ी सर सिंपल है आपकी एज से मतलब मेरी एज एज से आपकी माइनस कर दोगे आप दोन बढ़ाऊ साफ साफ समझ में आ रहा है इसी को दोस्तों इंग्लिश में पता है क्या बोलते हैं अच्छा इसको मैं एक इक्वेशन फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूं कि मेरी एज माइनस आपकी एज इक्वल टू टेन यस और नो समझ में ये क्या है ये मेरी एज है मेरी एज ये क्या भैया आपकी एज ठीक है और ये क्या भैया कितनी बड़ी है है ना ठीक है भैया इसको आप इक्वेशन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो कि कोई चीज बड़ी है कोई चीज छोटी है तो दोनों के बीच का डिफरेंस ये आएगा अब इसी को आप इंग्लिश में पता कैसे बोलते हो माई एज अच्छा मेरी एज आपसे बड़ी दस साल तो माई एज एक्सीड्स योर एज माई एज एक्सीड्स योर एज माई एज एक्सीड्स योर एज माई एज एक्सीड योर एज मतलब मेरी एज आपकी एज से बड़ी है कितनी बड़ी है दस साल तो यहां पर जो चीज बड़ी होती है उससे माइनस करा जाता है छोटी चीज को और कितनी बड़ी है वो चीज कितनी बड़ी है बड़ी वाली चीज उसको यहां पे लिखा जाता है समझ में आया ठीक है अब वैसे ही इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड्स द डायमीटर बाय इतना सेंटीमीटर आराम से चार बार रीड करो अपने आप क्वेश्चन बताएगा कि क्या कहना चाह रहा है वो द सर्कम्फ्रेंस ऑफ अ सर्कल द सर्कम्फ्रेंस ऑफ अ सर्कल जो सर्कल का सरकम फ्रेंस है एक्सीड द डायमीटर मतलब सर्कल का सरकमफ्रेंस डायमीटर से बड़ा है भाई मेरी एज एक्सीड योर एज मतलब मेरी एज आपकी एज से बड़ी है तो सर्कल का सरकमफ्रेंस एक्सीड कर रहा है डायमीटर को मतलब जो सर्कल होगा उसका जो सरकमफ्रेंस होगा वो एक्सीड कर रहा है डायमीटर को मतलब सरकमफ्रेंस डायमीटर से बड़ा है सरकमफ्रेंस डायमीटर से बड़ा है कितना बड़ा है 16.8 सेंटीमीटर तो क्या सबको ये बात समझ में आ रही है कि सरकमफ्रेंस माइनस डायमीटर अगर आप करोगे तो वो 16.8 आएगा जैसे मेरी एज ऋतिक सर की एज माइनस आपकी एज 10 साल था

क्लियर है यहां पे आप इसको सॉल्व करके आर की वैल्यू निकाल सकते हो थोड़ा बहुत सॉल्व करता हूं टू वन जा टू एट टू फोर झा दोस्तों थ्री फाइव थ्री टू झा टू बचा थ्री एटीट तो इंटू सेवन कितना हो जाएगा ट्वेंटी एट सेवन एट फिफ्टी सिक्स सेवन टू जाएगा आपका ये आपका ऊपर आ गया वन सिक्स और नीचे आ गया टेन इंटू फाइव है अब पता है मेरे दिमाग क्या लगा है? देखो भाई किसी भी चीज को अगर नीचे जीरो तो डिवाइड करना बहुत आसान होता है मैंने क्या दिमाग लगाया मैं नीचे इंटू टू कर दिया ऊपर इंटू टू कर दिया क्यों ऊपर हो जाएगा आपका थ्री नाइनटी टू या आपका 392 हो जाएगा कोई दिक्कत और नीचे फाइव टू जन टेन टेन जन्ड्रेड देखो फाइनल आंसर क्या आ गया ये कैलकुलेशन करने का तरीका होता है थर्टी नाइन पॉइंट टू नहीं पॉइंट नाइन टू कितना थ्री पॉइंट नाइन टू यूनिट प्लीज लिखिएगा सेंटीमीटर यह आपके इस क्वेश्चन में रेडियस का फाइनल आंसर इजी है भैया डायमीटर को exceed करता है से सिंपल इक्वेशन सॉल्व करा आंसर आया चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल मतलब सर्कल का डायमीटर निकालना है एरिया ऑफ टू सर्कल्स नहीं समझ में आ रहा है। फिर से सर्कल एक सर्कल का निकालना निकालना है। एक circle का diameter निकालना है एक का जिसका इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल्स ऑफ डायमीटर इतना एंड इतना, इतना क्या आपको बात समझ आई क्या आपको बात समझ आई क्या बोल रहे हैं एक सर्कल होगा एक सर्कल होगा इसका एरिया इसका एरिया बराबर एक इसके? दो सर्कल के एरिया के जिसका डायमीटर इतना और इतना डायमीटर इतना और इतना है रुकिएगा डायमीटर इतना और इतना है बेसिकली ऐसा कुछ क्वेश्चन में आपको दे रखा समझ रहे, क्या रहे है? एक ऐसे सर्कल का डायमीटर निकालना है एक ऐसे सर्कल का डायमीटर निकालना है इसको आप कैपिटल डी कह दो जिसका एरिया जिसका एरिया इसको आप एक है दो बराबर है इसके एरिया और इसके एरिया के क्या ये बात समझ आ रही है एक ऐसे सर्कल का डायमीटर निकालना है जिसका एरिया इसके और इसके सम के बराबर है ठीक है यह दिया हुआ है एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल्स इसका एरिया बाकी दोनों सर्कल के एरिया के सम के बराबर है बाकी दोनों सर्कल के एरिया के सम के बराबर है तो सिंपल इसके एरिया को मैंने ए बोल दिया इसके एरिया को ए बोल दिया इसके एरिया को ए बोल दिया दोस्तों यहां पर डायमीटर डी या फिर सिंपल एक काम करो इसके रेडियस को आप कैपिटल आर कह दो इसके रेडियस को आप कैपिटल आर कह दो इसके रेडियस को आप वन कह दो और इसके रेडियस को आप आर टू कह दो कोई दिक्कत तो नहीं ठीक है भैया इसके डायमीटर को डी वन कह दो और इसके डायमीटर को डी टू कह दो। दोस्तों डायमीटर दिया हुआ है कितना एक का 20 सेंटीमीटर और एक का 48 सेंटीमीटर समझ में आया फोर्टी एट सेंटी दोस्तों तो अगर डायमीटर 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर डायमीटर का आधा यस और नो यस सर रेडियस आ गया टेन सेंटीमीटर और वैसे यहां पर रेडियस क्या आ जाएगा भैया 24 सेंटीमीटर समझ में आई ये बात आई सर ठीक है भैया ठीक है भैया अब क्वेश्चन में जो दिया वो करते हैं इसका डायमीटर निकालना है आपको दिया कि जो बड़े वाले सर्कल का एरिया है वो दो छोटे वाले सर्कल के एरिया के बराबर है दोस्तों तो इसके एरिया का क्या आर स्क्वायर तो पाए कैपिटल आर स्क्वायर बोल दो इसके एरिया का हम क्या पाए आर स्क्वायर तो मतलब तो पाए आर वन स्क्वायर बोल दो उसके एरिया का पाए आर टू स्क्वायर वैल्यूज रख दो आंसर आ गया लेकिन उसके पहले नोटिस करो पाए आर स्क्वायर यहां पे लिखा है अगर मैं दोनों से पाए निकालू कॉमन तो आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर आएगा दोस्तों पाए नीचे पाए नीचे आएगा डायरेक्ट कितना है आर वन आपका टेन तो आर वन की जगह लिखा टेन का स्क्वायर आर टू कितना है ट्वेंटी फोर तो यह आ गया ट्वेंटी फोर का स्क्वायर दोस्तों कैपिटल आर स्क्वायर वैल्यू ये आ गया हंड्रेड ट्वेंटी फोर सिक्स ट्वेंटी फाइव फाइव फोर

अंडर रूट 676 यानी 26 समझ में आया पर हमको डायमीटर पूछा था तो इसके डायमीटर को मैं डी कह देता हूं डायमीटर कितना आ गया टू टाइम्स ऑफ रेडियस के बराबर आएगा तो टू टाइम्स ऑफ 26 के बराबर तो डायमीटर आ गया 52 सेंटीमीटर दोस्तों ये आपका फाइनल आंसर ये आपका फाइनल आंसर समझ में आया जैसा जैसा क्वेश्चन में कह रहे हैं बस मैं वैसा वैसा कर रहा हूं इस वाले सर्कल का एरिया दो छोटू दो सर्कल के एरिया के बराबर है चलिए अगला सवाल बहुत एज़ी, बहुत एज़ी, बहुत एज़ी, बहुत इजी इजी बहुत इजी इजी अच्छा पहले एक क्वेश्चन का आंसर करो मेरे पास एक धागा है मेरे पास एक धागा है मेरे पास या फिर एक धागा या फिर वायर मान लो ठीक है उस धागे की लेंथ है दस मीटर उस धागे की लेंथ है दस मीटर या फिर वायर की लेंथ है दस मीटर उस धागे को मैंने मोड़कर उस धागे को मैंने मोड़कर उस धागे को मैंने मोड़कर सर्कल बनाया तो बताइए सर्कल का पेरीमीटर यानी सर्कम्फ्रेंस क्या होगा सोचिए देखो सोचो भाई एक धागा था दस मीटर का उस धागे को मोड़कर मैंने सर्कल बनाया उस धागे को मोड़कर मैंने सर्कल बनाया तो सर्कल का सरकमफ्रेंस मतलब बाउंड्री की लेंथ बाउंड्री की लेंथ कितनी होगी जितनी धागे की लेंथ होगी क्योंकि बाउंड्री में धागा है ना बाउंड्री में धागा है ना तो क्या आपको एक बात समझ में आ रही है अगर आप एक धागा लेते हो दस मीटर का उससे अगर आप एक सर्कल बनाते हो सर्कल का सर्कम्फ्रेंस भी दस मीटर होगा समझ में अगर इससे आप एक स्क्वायर बनाते हो तो स्क्वायर का पेरीमीटर भी दस मीटर होगा क्या बात समझ आ रही है भाई ये धागा ये धागा ये धागा समझ लो एक धागा था उससे आपने स्क्वायर बना दिया बाउंड्री पे लगाए धागा तो बाउंड्री कितने मीटर की होगी दस मीटर की सोच के देखो ठीक है बस इस क्वेश्चन में वही चीज बोली गई है क्या बोल रहे हैं वायर इज लूब इन फॉर्म ऑफ बंद करा गया सर्कल के फॉर्म में फॉर्म में रेडियस ट्वेंटी एट सेंटीमीटर इट इज रिबेंट और भाई इसको फिर से रिबेंट करा गया मतलब इसको फिर से खोल दिया होगा और इसको फिर से आप समझ रहे ये धागा होगा. इसको मोड़ कर इसको मोड़ कर सर्कल बनाया

अच्छा ये कैसे करेंगे सिंपल है साइड निकालनी है तो इसको अगर मैं उतना ही पेरीमीटर इसका होगा yes no? yes no? क्यों भाई ये धागा लगा हुआ है ना ये धागा लगा हुआ ना कौन सा धागा जो ये लगा हुआ था धागा मतलब वायर यहाँ पे वायर मैं धागा धागा कर रहा हूं दोस्तों ये वायर है ये वायर है और ये भी वायर है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं जितना इसका सरकमेंस होगा उतना ही इसका पेरीमीटर होगा अरे तेम वायर को करके स्क्वायर बनाया गया ना तो जितना ये लेंथ होगा जितना ये लेंथ होगा, होगा उतना ये लेंथ होगा उतना ये लेंथ होगा ये लेंथ मतलब सर्कल का सरकमफ्रेंस ये लेंथ मतलब स्क्वायर का पेरीमीटर तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन

आ गया फोर इन टू एजी कैलकुलेशन है मेरे ख्याल से सॉल्व कर लो फोर को नीचे भेज दो तो यह आ गया सेवन फोर सा दोस्तों फोर नीचे आएगा फोर को काटेगा टू इन टू ट्वेंटी टू फोर्टी फोर फोर्टी फोर सेंटीमीटर आपके ए की वैल्यू आ जाएगी मतलब स्क्वायर की साइड आ गई फोर्टी फोर सेंटीमीटर यह आपका आंसर क्लियर हुआ बेसिक से इजी से क्वेश्चंस हैं है ना चलिए आगे चलते हैं भैया ट्राई करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे चलने का आइए ये वाला क्वेश्चन देखिए ये वाला ये वाला ये वाला क्वेश्चन देखिएगा चलिए धीरे-धीरे सेक्टर पर भी आएंगे जो कि चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या बोल रहे हैं अ तो तो रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग तो जो रेस ट्रैक देखा कैसा होता है कुछ ऐसा कह सकते हो कुछ ऐसा कह सकते हो मतलब ऐसा भी देखा होगा शायद शायद ऐसा भी देखा होगा ऐसा बताता हूं कैसा ऐसा ऐसा भी शायद आपने रेस ट्रैक देखा होगा ऐसा ठीक है ऐसा भी देखा होगा ठीक है यहां पे लोग भगते हैं यहां पे लोग भगते हैं है ना यहां पे आपके लोग भगते हैं ठीक है तो इस शेप का भी हो सकता है बस यहां पे क्या बोल रहे हैं रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ फर अ रिंग कहने का मतलब क्या कहने का मतलब क्या अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊं तो देखिएगा एक रेस ट्रैक है रिंग के फॉर्म में मतलब सर्कुलर रेस ट्रैक सर्कुलर रेस ट्रैक लोग कहा भैया लोग आपके लोग आपके लोग आपके लोग आपके, लो आपके एक सेकेंड एक सेकेंड ठीक ठीक है लोग आपके इधर वगरे मारा है ठीक है अब क्या बोल रहे हैं लोग अच्छा यहां पे दो सर्कल है एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल बड़ा सर्कल तो छोटे सर्कल का कुछ रेडियस होगा बड़े सर्कल का कुछ रेडियस होगा क्या कह रहे हैं लोग द रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ अ अरूंग हुज इनर सर्कमफ्रेंस अब एक बात बताओ ये छोटा सर्कल इसके रेडियस को स्मॉल आर बोला ये बड़ा सर्कल इसके रेडियस को कैपिटल आर बोला सेंटर से सर्कल पर सेंटर से सर्कल तक ठीक है भैया कैपिटल समझ गया ना इसको अपन ने कैपिटल आर बोला बड़े सर्कल का रेडियस इसको अपन ने स्मॉल आर बोला छोटे सर्कल का रेडियस ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं ये लोग अच्छा इस सर्कल को मैं इनर सर्कल कह सकता हूं बाहर वाले यानी बड़े वाले सर्कल को मैं आउटर सर्कल कह सकता हूं दोस्तों तो इनर सर्कल का कुछ सरकमेंस होगा बाहर वाले सर्कल का कुछ सरकमेंस होगा यस सर क्वेश्चन में क्या दियानर सरेंस इज थ्री फिफ्टी टू आपको इनर सरकमफ्रेंस आपको इनर सरकमफ्रेंस सुनिएगा आपको इनर सरकमफ्रेंस दिया जा रहा है थ्री फिफ्टी टू ठीक है और आपको आउटर सरकमफ्रेंस आराम से सुनिएगा आपको आउटर सरकमफ्रेंस दिया जा रहा है कितना 396 मीटर आउटर सर्कमेंट समझ गया ना भैया अगर कोई इंसान ऐसा 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 चलना स्टार्ट करे तो कितना मीटर चलेगा 396 नाइनटी सिक्स मीटर अगर कोई इंसान ऐसा 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 तो चलना करे मतलब अंदर वाले सर्कल की बाउंड्री की लेंथ थ्री मीटर ठीक है भैया मतलब मोटा मोटा दोनों सर्कल का आपको सर्कम्फ्रेंस दे रखा है क्या पूछा फाइंड द दिथ ऑफ द ट्रैक फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक अब विड्थ का मतलब समझो विड्थ का मतलब ये लेंथ कितनी होगी ये ट्रैक भाई ये ट्रैक है ना ये ट्रैक है ना ये ट्रैक है ना तो ट्रैक की विड्थ मतलब ये ये कितनी होगी और हर साइड सेम होगी ये चीज याद रखिएगा हर साइड मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा उतना ये उतना ये उतना ये उतना उतना मतलब ट्रैक की विड्थ आपको पूछी जा रही है ट्रैक की विड्थ आपसे पूछी जा रही है सर तो, कुछ समझ नहीं आ रहा सर

अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका टू इंटू ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू आर बराबर थ्री फिफ्टी टू आएगा दोस्तों थ्री जा कर देते हैं 11 कर देते हैं, बचे है ना टू टू वन जा आपका दोस्तों डायरेक्ट कर एट जाएगा तो आर की वैल्यू आपकी फिफ्टी सिक्स मीटर आ जाएगी मतलब अंदर वाले सर्कल का रेडियस फिफ्टी सिक्स मीटर आ गया वैसे दोस्तों अगर आप यहां पे सॉल्व करोगे तो कैपिटल कोई दिक्कत इतना सब कर सकते हैं भाई हमें तो अंदर वाले सर्कल का रेडियस का रेडियस आ गया हमें वित्त पूछा है हमें विक्त पूछा है बहुत ईजी देखो दोस्तों पूरा कैपिटल आ रहा है ये पूरा कैपिटल आ रहा है अगर इससे मैं स्मोल माइनस कर दूं अगर इस चीज को मैं हटा दूं अगर इस चीज को मैं हटा दूं तो क्या मुझे ये वाली चीज नहीं मिल जाएगी सोच के देखो सोच के देखो फिर से बोलूंगा दोस्तों तो तो मतलब कैपिटल बहुत बढ़िया तो भाई बस आपको ये बात समझ आ रही है निकालोगे विथ आपकी निकलेगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर से कैपिटल आर सिक्सटी थ्री है स्मॉल आर फिफ्टी सिक्स है तो विथ आपकी आ गई नोमी ऑफ़ द ट्रैक आपकी आ गई ये आपका आंसर इजी मेरे ख्याल से बहुत इजी ठीक है चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं बढ़िया सवाल है बढ़िया सवाल है पर इस सवाल को करने से पहले पहले ये वाला सवाल करते हैं ठीक है उस सवाल के लिए कुछ कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा पहले चलिए क्या कह रही भैया क्वेश्चन में एक रुकिएगा ना क्या बोल रही भैया क्वेश्चन में सीबीएसई डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई ऑफ द स्मॉलर सर्कल एंड द लार्जर सर्कल इज सेवन सेंटीमीटर आए नहीं समझ आया फिर से बोलता हूं रेडियाई रेडियस के, के बीच का ऑफ स्मॉलर सर्कल एंड लार्जर सर्कल ठीक है भैया एक बात समझ आ गई एक छोटा सर्कल है एक बड़ा सर्कल है ठीक है छोटे सर्कल का कुछ रेडियस होगा स्मॉल आर क्या दो बड़े सर्कल का कुछ रेडियस होगा कैपिटल आर क्या दो हमें क्या बोल रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस मतलब दोनों सर्कल के दोनों सर्कल के रेडियस का बीच का डिफरेंस दोनों सर्कल के रेडियस का डिफरेंस सेवन दिया हुआ है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि कैपिटल स्मॉल के बराबर होगा ठीक एंड द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स एंड द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स जाहिर सी बात है इस सर्कल का एरिया बड़ा होगा इस सर्कल का एरिया छोटा होगा तो इस सर्कल के एरिया को मान लो ए बोल दिया

चलिए सर क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा अच्छा है तो समझ में आएगा कि एरिया दिया है एरिया दिया है तो एरिया का अपन लगा सकते हैं हैं चलिए लगाते देखिएगा हैं। तो एरिया तो छोटे वाले सर्कल का एरिया नहीं पाए स्मॉल दे रखा अच्छा तो यहां से अगर आप पाए कॉमन निकालोगे देखो क्या होगा कैपिटल भाई दोनों से गया, दोनों से से पाया पाया गया तो यहाँ पे गया, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया वन जीरो दिमाग लगाओ जरा ट्वेंटी जाहिर सी बात है उधर जाएगा तो वन जीरोड आएगा शायद कट जाए तो इलेवन टू जा आप टू से भी काट सकते तो मैं इलेवन तो से डायरेक्ट काट रहा हूँ ठीक है तो टू से काटते हैं आप लोग टू से काटते हैं तो भैया टू इलेवन जा टू फाइव जा ट इलेवन वन जा इलेवन फोर जा नाइन बचा नाइन जा दोस्तों ये आपका आ गया ये आपका आ गया आर स्क्वाइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्टी नाइन इंटू सेवन फोर्टी नाइन इंटू सेवन अगर आप करोगे तो ये आपका थ्री फोर्टी थ्री आ जाएगा ऐसा कुछ आ गया ऐसा कुछ आ गया अब क्या करें अब क्या करें? अगर आप ध्यान से तो तो के के फॉर्म फॉर्म में में आ रही है। capital R, small R में पहली एक दी हुई थी। तो अगर आप दो वेरिएबल की दो एक भाई, दो वेरिएबल कौन से? इक्वेशन R, 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 R. आप आपके पास है तो आप दोनों की निकाल सकते हो हमारा को स्मॉल आर निकालना है निकल जाएगा पर उसके पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो तो भाई आपको ए स्क्र माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं दिख रहा इसको आप ए प्लस बी यानी आर प्लस आर और ए माइनस बी आर माइनस आर के फॉर्म में नहीं लिख सकते बिल्कुल। अब आर माइनस छोटा आर बड़ा वाला आर माइनस छोटा आर सेवन के बराबर है तो इसकी जगह अगर आप सेवन लिखोगे तो आपका आर प्लस आर इंटू सेवन डिजिकल सेवन मल्टीप्लीकेशन में डिविजन में जाएगा तो आपके आर प्लस आर की वैल्यू आ जाएगी फोर्टी नाइन जब थ्री फोर्टी थ्री से दोस्तों तो इसको आप सेकेंड इक्वेशन कह दो इसको आप फर्स्ट इक्वेशन कह दो अब एक बार देख लो मैंने क्या करा भाई दोनों सर्कल के एरिया का डिफरेंस दोनों सर्कल के एरिया का डिफरेंस दिया था मैंने एरिया का फॉर्म लगाया पाए की वैल्यू रखी इतना आया

तो आर आ गया आपका ट्वेंटी वन सेंटीमीटर दोस्तों दिस इज योर आंसर फॉर द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल ठीक है समझ आ गया भैया आसान क्वेश्चन था अभी बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन हैं से अभी सेक्टर के ऊपर अच्छे सवाल पूछ जाते हैं उसके ऊपर हम बस थोड़ी देर में बात करने वाले हैं पर उसके पहले कुछ और बेहतरीन सवालों पर जरा गौर फरमाया जाए ठीक है आइए पहले कुछ ये वाले क्वेश्चन करते हैं पहले कुछ ये अच्छा पहले ये वाला कर लो यार एक ये वाला भी अच्छा रह गया ये वाला कर लो पहले ना उसके बाद हम लोग कुछ ये वाले क्वेश्चंस करेंगे फिर फेंथिंग, फेंथिंग वाले करेंगे चलिए चार पांच क्वेश्चंस और उसके बाद हम लोग सेक्टर की बात करने वाले बढ़िया क्वेश्चंस अब आने वाले आपके स्क्रीन के सामने क्या लिखा है हमेशा याद रखो मैथ्स में क्वेश्चन को आराम से कॉन्सेप्ट तो सब आपको आता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मुला सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्कल का सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस पढ़ा बना आपको सब कुछ आता है क्वेश्चन को आराम से रीड करो और जितना कर सकते हो उतना करो क्वेश्चन को आराम से रीड करिए और जितना कर सकते हैं तो उतना करने की कोशिश करिए पक्के से कुछ ना कुछ होगा पक्के से कुछ ना कुछ होगा ये मेरा वादा है इफ द पेरीमीटर पेरीमीटर की बात कर रहे हैं इसका पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल अच्छा सर्कल के सरकमफेरेंस की बात कर रहे हैं इज हाफ टू दैट ऑफ अ स्क्वायर इज हाफ टू दैट ऑफ अ स्क्वायर इज हाफ टू दैट ऑफ अ स्क्वायर बार-बार बोलो समझ में आएगा पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज हाफ टू दैट ऑफ अर इफ द पेरीमी सर्कल इज हाफ टू दैट ऑफ अक्र इफ दैरीमी स्क्वेयर मतलब कोई सर्कल होगा और कोई स्क्वायर होगा इसका पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्कल किसके बराबर है हाफ टू दैट ऑफ अ स्क्र मतलब स्क्वायर के पेरीमीटर का आधा है मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्कल स्क्वायर के पेरीमीटर का आधा है पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज हाफ ऑफ स्क्वायर का पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज हाफ ऑफ स्क्वायर का पेरीमीटर तो यहां से समझ में आ रहा है पेरीमीटर ऑफ सर्कल मतलब टू पाई आर आधा है किसके भैया फोर ए के बराबर अगर मैं इसको ए ए और ए बोलूं और अगर मैं इसको स्मॉल आर बोलूं ठीक है ठीक है भैया अच्छा यहां से शायद कुछ तो कर सकते हैं ये टू टू जा बस कर दो जितना कर सकते उतना तो करो तो ये आपका आ गया टू पाएर आपका टू ए के बराबर दोस्तों टू से टू कर जाएगा क्यों टू मल्टीप्लीकेशन में नीचे जाएगा टू आठ देगा तो कुछ पाई की वैल्यू ए आ गई अच्छा ए और आर के फॉर्म में एक क्वेश्चन आ रही है ए और आर के फॉर्म में एक क्वेश्चन आ रही है ठीक है छोड़ दो तो यहीं पे देखते हैं बाद में देखते हैं बाद में चलिए चलिए अब क्या बोल रहे हैं देन द रेशियो रेशियो मतलब समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग किस किस का रेशियो पूछ रहे हैं एरिया ऑफ द सर्कल टू दू दर्कल और एरिया ऑफ स्क्त सर्कल होता है पाई पूछा जा रहा है अब क्या करना पड़ेगा इमेजिन करो एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर का आपको रेशियो पूछ रहे हैं तो एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाय आर स्क्वा एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब स्क्वायर मतलब रेशियो निकालने के लिए आर और ए पता होना चाहिए रेशियो निकालने के लिए आर और ए पता होना चाहिए पर आर एर और ए और तो पता ही नहीं है भाई रेशियो निकालने के लिए आर और ए पता होना चाहिए पर आर और ए तो पता ही नहीं है तो क्या करेंगे या तो आर की वैल्यू ए के टर्म्स में निकाल लो या तो ए की वैल्यू आर के टर्म्स में निकाल लो क्योंकि देखो वही तो दिख रहा है यहां पर आपको ए की वैल्यू आर के टर्म्स में दिख रही है या फिर पाई को नीचे ले जाओ तो आर की वैल्यू ए के टर्म्स में दिख जाएगी आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं वहां से आप या तो एक वैल्यू निकाल कर पेरीमीटर ऑफ सर्कल हाफ ऑफ स्क्वायर के बराबर है आपने सॉल्व करा इतना तो सब लोग कर सकते हैं अब यहां पे आपको एक की वैल्यू पाए आर दिख रही इधर रख दो पर ये ध्यान से रखना ध्यान से एकदम यहां पर पाए आर स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है एक ही जगह एक ही जगह एक ही जगह एक ही जगह स्क्वायर छोड़ दो अभी स्क्वायर 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 को दो, को दो, को दो, को छोड़ 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 दो 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 एक ही जगह जगह पाया तो एक ही जगह आपने पाया लिखा गलती नहीं गलती नहीं गलती नहीं बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देंगे कि एक ही जगह पायार लिखा और यहां पर स्क्वायर लगा दोस्तों ये गलती है एक ही वैल्यू पाया है एक ही वैल्यू पाया है एक ही वैल्यू पाया है तो एक ही जगह पायार लिखा एक ही जगह पायार लिखा एक ही जगह पायार लिखा और पूरी एक ही वैल्यू का स्क्वायर है ये चीज समझे समझे

सेवन सबसे ऊपर ट्वेंटी टू इधर सेवन बाई ट्वेंटी टू एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ स्क्वायर आ रहा है मतलब एरिया ऑफ सर्कल इज टू एरिया ऑफ स्क्वायर आ रहा स्क्टी टू समझ में आ गया सेवन इज ट्वेंटी टू ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर ठीक ठीक है भैया चलिए अब चलते हैं अब चलते हैं कुछ 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 ये वाले क्वेश्चंस पे ठीक है पर ये वाले क्वेश्चन करने के लिए पहले एक कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो समझो कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो समझो कॉन्सेप्ट करना दोस्तों मान लो एक गाड़ी का चक्का है सर्कुलर चक्का है गाड़ी का गाड़ी का चक्का सर्कुलर ही होता है ठीक है ये गाड़ी का चक्का है ठीक है मुझे एक बात बताओ अगर ये गाड़ी का चक्का

अगर मैं इसको पूरा एक बार घुमाऊं तो मतलब एक रिवॉल्यूशन तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा सोच के देखो कितना डिस्टेंस कवर करेगा सोच के यहां पर आ गया वापस यहां पर आ गया दो रिवॉल्यूशन गया वापस यहां पर आ गया तीन रिवॉल्यूशन गया वापस यहां पर आ गया चार रिवॉल्यूशन एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा इतना डिस्टेंस करेगा यस और नो इतना डिस्टेंस करेगा मतलब सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर तो बस यही बात यही कांसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि एक रेवोल्यूशन में एक रेवोल्यूशन में सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर डिस्टेंस कवर होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर डिस्टेंस कवर होता है क्या ये बात समझ में आई एक रिवॉल्यूशन में सरकम के बराबर डिस्टेंस कवर होता है समझ में अच्छा दो रिवॉल्यूशन में कितना होगा सिंपल है दो रिवॉल्यूशन में समझना एक रिवॉल्यूशन में टू पाई आर डिस्टेंस कवर होगा सरकम सर्कल के बराबर तो दो रिवॉल्यूशन में कितना हो जाएगा यहां पर टू का मल्टीप्लीकेशन करा तो यहां पर भी टू का मल्टीप्लेशन कर दो और पाई और नो

तो बस ये चीज लियो अब ध्यान से क्वेश्चन को समझना द डायमीटर ऑफ अ कार व्हील व्हील इज इज सेंटीमीटर आराम से डायमीटर ऑफ अ कार सेंटीमीटर इमेजिन करो एक कार व्हील है एक कार व्हील है भैया एक कार व्हील है ठीक है ठीक है इसका डायमीटर इसका डायमीटर आपको दिया हुआ है फोर्टी टू सेंटीमीटर बताइए रेडियस का होगा रेडियस डायमीटर का आधा होता है यानी रेडियस फोर्टी टू बाई टू

किलोमीटर किलोमीटर या फिर ऐसे सोचो? 132 अगर कार चल गई तो दोस्तों एक रिवॉल्यूशन मतलब टू पायर डिस्टेंस कवर करा होगा दो रिवॉल्यूशन मतलब थ्री पायर डिस्टेंस कवर होगा चार रिवॉल्यूशन मतलब समझना आपको चीज ठीक है मैंने क्या बोला एक सेकंड हो सकता है मैंने गलत बोला बट आप समझ गए ना मोटा मोटा एक रिवॉल्यूशन मतलब सर्कल के सर्कम्फ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करा होगा मेरी बात समझ ना नहीं पे क्या पूछा कितने रिवॉल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर होगा कितने रिवॉल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर होगा कितने रिवॉल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर होगा ठीक है अब यहां पर एक चीज नोटिस करो रेडियस ट्वेंटी सेंटीमीटर है ये किलोमीटर है ये किलोमीटर है ये किलोमीटर है ये किलोमीटर है तो मैंने सबसे पहले किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना ताकि करेंगे भैया आप लोग को पता है कि किलोमीटर में इसको पीछे करते हैं। इसको पीछे पीछे करते करते हैं हैं यहां से आप बहुत सारी चीजें सीखोगे ठीक है एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भैया थाउजेंड मीटर ये और नो एक किलोमीटर में थाउजेंड मीटर एक किलोमीटर में थाउजेंड मीटर तो दोस्तों वन थर्टी टू किलोमीटर में कितने मीटर होंगे सिंपल है आ, एक किलोमीटर में थाउजेंड मीटर तो दो किलोमीटर में टू इंटू थाउजेंड तीन किलोमीटर में, किलो में, किलो में, तो किलो में सिंपल है यहां पे वन थर्टी टू मल्टीप्लाई करो तो यहां पे भी वन थर्टी टू मल्टीप्लाई कर दोगे तो वन थर्टी टू इंटू थाउजेंड मतलब वन थर्टी टू इतना मीटर ठीक है इतना मीटर होता है एक किलोमीटर पर हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है अब हम तो दो मीटर टू इंट हंड्रेड तीन मीटर पचास इंटू हंड्रेड हमें एक मीटर में पता नहीं करना इतने मीटर में पता करना है तो ये चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई करो ये चीज यहाँ पे भाई मान लो यहां पे पांच मीटर लाना होता यहाँ पे फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाई करता यहाँ पे फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाई हो जाता पर यहां पर इतना लाना है तो मैंने क्या दोनों साइड वन थ्री टू ट्रिपल जीरो मल्टीप्लाई करा ठीक है यहां पर भी क्या वन थ्री टू ट्रिपल जीरो मल्टीप्लाई करा और यहां पे हंड्रेड सेंटीमीटर पहले से मैंने दोनों साइड ये मल्टीप्लाई करा तो दोस्तों आगे आपका वन थ्री टू ट्रिपल जीरो मीटर में वन थ्री टू पांच बार जीरो सेंटीमीटर होते हैं समझ में आया तो मोटा मोटा यहां से आपको क्लियर होना चाहिए कि 132 किलोमीटर में 132 किलोमीटर में वन थ्री टू एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच सेंटीमीटर होते हैं क्लियर हो गया ठीक है अब सेंटीमीटर में तो कन्वर्ट कर दिया कहने का मतलब कार ने 132 किलोमीटर की जगह क्या बोल सकते हो वन थ्री टू एक दो तीन चार पांच सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करा अब आपसे क्या पूछ रहे हैं अगर कार इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है अगर कार इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है अगर कार इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो वो कितनी बार रिवॉल्यूशन ले रही है हमें क्या एक बार रेवोल्यूशन लिया तो टू पायर डिस्टेंस कवर होगा एक बार रेवॉल्यूशन लिया टायर ने तो टू पायर डिस्टेंस कवर होगा टायर ने एक बार रेवॉल्यूशन लिया तो टू पायर डिस्टेंस कवर होगा यस और नो स और नो यस और नो यस और नो यसर अब टायर अगर मान लो सौ बार रिवॉल्यूशन लेगा तो सौ यहां पे मल्टीप्लाई करा तो सौ यहां पे मतलब सौ इंटू टू पायर रिवॉल्यूशन सौ तो इंटू टू पायर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा फिर से बोलूंगा एक रिवॉल्यूशन में टायर इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक रिवॉल्यूशन में टायर इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है हमसे क्या पूछा कितने रिवोल्यूशन टायर ले कितने रिवोल्यूशन टायर ले मतलब हमसे रिवॉल्यूशन ही पूछा हुआ है तो मैं अगर मान के चलता हूं कि लेट लेट एन रिवोल्यूशन में समझना लेट एंड रिवॉल्यूशन में टायर ने 132 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा ठीक है एंड रिवॉल्यूशन में अभी मुझे बात बताओ हमारे हिसाब से एक रिवॉल्यूशन में टायर इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एन रिवॉल्यूशन में कितना करेगा इजी है ना देखो ना एक रिवॉल्यूशन में इतना तो अगर दो रिवॉल्यूशन में होता तो टू इंटू टू r हो जाता तीन रिवॉल्यूशन में थ्री इंटू टू r, फोर रिवॉल्यूशन में फोर इंटू टू r, दस रिवॉल्यूशन में टायर दस इंटू टू r डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सौ रिवॉल्यूशन में टायर सौ इंटू टू r डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बस सोचते जाओ इमेजिन करते जाओ पांच सौ अगर टायर लेगा तो वो 500 सौ इंटू टू डिस्टेंस ट्रेवल करेगा हजार रिवॉल्यूशन अगर टायर लेगा तो वो कितना डिस्टेंस करेगा हजार इंटू टू पायर हमें तो पता नहीं है कितने रिवॉल्यूशन तो तो में एन रेवॉल्यूशन में एन इंटू टू पायर एन रिवॉल्यूशन में टायर एन इंटू टू पायर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यस ओर नो यस और 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 नो तो हमने क्या माना कि एंड रिवॉल्यूशन में टायर इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एन रिवॉल्यूशन में टायर इतना डिस्टेंस कर रहा है हमारे हिसाब से रिवॉल्यूशन में कितना करेगा N तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि हमारे हिसाब से टायर एन रिवॉल्यूशन में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कितना वन थ्री टू पांच बार जीरो क्वेश्चन समझ में आई ये क्वेश्चन क्लियर हुई बताओ भैया बढ़िया तो हमारे हिसाब से इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और हमने माना कि एन रिवॉल्यूशन में इतना कर रहा है मतलब एन रिवॉल्यूशन में हमारे हिसाब से इतना और क्वेश्चन के हिसाब से इतना हमारे हिसाब से इतना क्वेश्चन के हिसाब से इतना यहां से आपके एन की वैल्यू आ जाएगी कैसे अब आप ये सॉल्व कर लो पीछे कर ले तो एन इंटू पाई आर वन ठीक है आपका आर फोर्टी वन सॉरी है तो एन इंटू टू इंटू

हमें डिस्टेंस दिया था हमने पता कर लिया कितना रिवॉल्यूशन ट्रेवल करेगा यहां पे क्या दिया हुआ है अ अ कार कार व्हील्स आर 80 सेंटीमीटर इन डायमीटर तो भैया एक कार है जिसकी व्हील्स 80 सेंटीमीटर डायमीटर तो 80 सेंटीमीटर का अगर डायमीटर है तो रेडियस आपका 40 सेंटीमीटर होगा कार की व्हील का रेडियस आपका 40 सेंटीमीटर होगा ठीक है दोस्तों तो बस इतना बता दो एक रिवॉल्यूशन में ये वाला टायर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा टू आर डिस्टेंस समझ में आ रहा है ठीक है हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन यहां पर भी क्या पूछा कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशन टायर लेगा या व्हील लेगा मेक इन टेन मिनट्स वेन द कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ सिक्सटी सिक्स किलोमीटर पर आवर क्या बोला क्वेश्चन में आराम से रीड करो आराम से रीड करो क्या बोला कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशन व्हील लेगा दस मिनट में दस मिनट में व्हील कितना कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेगा अगर उसकी स्पीड इतनी है तो तो क्वेश्चन में अगर आप ध्यान तो समझो, से समझो हमसे पूछा दस मिनट में टायर कितनी बार घूमेगा दस मिनट में टायर कितनी बार घूमेगा कितनी बार रिवॉल्व होगा दस मिनट में टायर कितनी बार रिवॉल्व होगा सर दस मिनट में टाइम में कैसे पता करेंगे यहां पर क्या दिया था यहां पर क्या दिया था कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में एक व्हील कितने बार रिवॉल्यूशन लेगा डिस्टेंस दिया था डिस्टेंस दिया था अपन ने आसानी से निकाल लिया पर यहां पर क्या दिया दोस्तों यहां पर क्या दिया है कि 10 मिनट में टायर कितने रिवॉल्यूशन लेगा 10 मिनट में टाइम में तो कुछ नहीं टाइम को डिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं देखो बताओ कैसे बताता हूं दोस्तों आपको दिया हुआ है स्पीड कितनी 66 किलोमीटर पर आवर इसका मतलब तो समझते हो 66 किलोमीटर पर आवर का मतलब एक घंटे में 66 किलोमीटर ट्रैवलिंग हो रही है एक घंटे में मैं बस ये पता करने की कोशिश कर रहा हूं कि मिनट 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 में 10 में 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 ने 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 कितना करा, 10 में ने कितना टाँग करा, टाँग मतलब ने कितना डिस्टेंस 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 ट्रैवल 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 करा? करा? तो करा? मतलब व्हील ठीक है? तो घंटे 66 किलोमीटर ट्रैवल मतलब करेगा पर क्या

यहां पे टेन मल्टीप्लाई करा तो यहां पे भी टेन मल्टीप्लाई करा इतना किलोमीटर तो मोटा मोटा दस मिनट में आपका व्हील इलेवन किलोमीटर ट्रेवल करेगा क्या ये बात समझ आई दस मिनट में आपका व्हील इलेवन किलोमीटर ट्रेवल करेगा क्या ये बात समझ आई क्या ये बात समझ आई मैं फिर से बोलूंगा भाई पिछले क्वेश्चन में हमसे पूछा था बार कितनी बार रिवॉल्यूशन होगा कितनी ट्रेवल कर रहा है, कर है तो? तो पहले हमको यहां पे टाइम दिया मैंने डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया कि आखिर व्हील दस मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है आखिर व्हील दस मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पहले मैंने ये पता कर लिया कैसे पता करा कर देखो ना हमको दिया है कि एक घंटे में 66 किलोमीटर ट्रैवल करेगा मतलब 60 मिनट में 66 किलोमीटर ट्रैवल करेगा 60 नीचे गया तो एक मिनट में 66 किलोमीटर एक मिनट में इलेवन बाई टेन किलोमीटर इलेवन बाय टेन समझ गया दस मिनट में इलेवन किलोमीटर व्हील ट्रैवल करेगा मतलब व्हील दस मिनट तक गाड़ी चली आप ऐसा मानो दस मिनट तक गाड़ी चली मतलब दस मिनट तक व्हील ने घूमा दस मिनट तक व्हील घूमा दस मिनट में व्हील कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर पा रहे इलेवन किलोमीटर समझ में आया ठीक है भैया ठीक है भैया अब दोस्तों हमको ये सेंटीमीटर में दिया तो इलेवन किलोमीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में करूंगा मैं जानता हूं एक किलोमीटर थाउजेंड मीटर होता है सही बात है बहुत बढ़िया तो इलेवन किलोमीटर कितना हो जाएगा इलेवन इंटू मीटर सही बात है बहुत बढ़िया मतलब इलेवन किलोमीटर में इलेवन थाउजेंड मीटर होते हैं ठीक है अब इसको सेंटीमीटर में करूं तो मैं जानता हूं कि एक मीटर हंड्रेड सेंटीमीटर होता है तो एक दो एक दो तीन ग्यारह हजार मीटर में ग्यारह हजार इंटू हंड्रेड सेंटीमीटर होंगे यानी एक दो एक दो तीन चार पांच सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर में टायर इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा सेंटीमीटर में टायर इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा अब हमने माना कि लेट टायर लेट लेट व्हील लेट व्हील मैं बार बार टायर बोल रहा हूं लेट व्हील टेक्स रिवॉल्यूशन मैंने माना कि व्हील कितने रिवॉल्यूशन ले रहा है तो एन रेवल्यूशन में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एन रेवॉल्यूशन में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एन रिवॉल्यूशन में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और मैंने क्या माना कि एन रेवॉल्यूशन में इतना कर रहा है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बिल्कुल इसे सॉल्व कर दो भैया बस एन इंटू टू पा एन इंटू आराम सेवन इंटू फोर्टी इज इक्वल यहाँ पे एक दो एक दो तीन चार पांच ठीक है सॉल्व कर दो इसको एन बराबर एक दो टेन की पावर फाइव इंटू सेवन डिवाइडेड बाय फोर्टी इंटू ट्वेंटी टू इंटू टू दोस्तों टू जा क्लियर है बात ठीक है सर जी ठीक है सर जी अब एक काम करते और काटापीट करते एन बराबर की की पावर को एक लिख दे, पे 7, पे 40, इन्तु इन्तु अब देखो, जीरो से एक जीरो गया ठीक है और कुछ कट रहा है क्या कट जाएगा देखो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ ठीक जा, है पहले उसको नीचे लिख लेते हैं एन बराबर डिवाइडेड बाय बचा बचा है 40 बचा है है सॉरी ठीक देखो एक जीरो से एक और जीरो चला जाएगा और काटो टू टू जा फोर टू फाइव जेन टू वन जा टू टू फाइव टेन फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव मतलब इंटू सेवन टोर थ्री सेवन फाइव रिवॉल्यूशन टायर लेगा, लेगा ग्यारह किलोमीटर ट्रेवल करने में टायर मतलब व्हील लेगा बार बार मैं टायर कह रहा हूँ समझ में आ गया Basic सी कैलकुलेशन हमारे हिसाब से हमने माना कि एन रिवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर हो रहा है एन रिवॉल्यूशन में मैंने माना कि इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है या फिर मैंने ये माना कि इतने डिस्टेंस कवर करने के लिए, इतना डिस्टेंस कवर कवर करने करने के के लिए लिए इतना मेरा व्हील करूशन ले रहा है तो एन रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एन इन टू टू पायर बट एक्चुअली करवाना कितना है इतना तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यह आपको समझ में आनी चाहिए ठीक है चलिए भैया अब इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ में जहां पर हम लोग थोड़ा सा, थोला सा एक बार और समझ सर्कुलर पार्क है ये क्या मेरे पास एक सर्कुलर पार्क समझना पास भैया एक सर्कुलर पार्क है मान लो इस सर्कुलर पार्क में मुझे फेंसिंग करानी है मान लो इस सर्कुलर पार्क में मुझे फेंसिंग करानी है ठीक है और इस सर्कुलर पार्क का मैं आपको सरकमफेरेंस इस सर्कुलर पार्क का मैं आपको सरकमफेरेंस सरकमफेरेंस दे रहा हूं कितना सरकमफेरेंस मैंने आपको दिया 100 मीटर अगर 100 नहीं चलो मान लो 120 मीटर सरकमफेरेंस मतलब कोई इंसान अगर यहां से चलना चालू करेगा ऐसे 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 चल-चल के चल-चल के इधर आएगा तो 120 मीटर हो गया ये ठीक है मुझे इस सर्कुलर पार्क में फेंसिंग करनी फेंसिंग समझते मतलब तार लगवानी है ग्राउंड के तारों पार्क के चारों तरफ मतलब यहां पे मैं तार लगाऊंगा मतलब यहां पे मैं फेंसिंग करूंगा क्या ये बात समझ आ रही है यहां पर मैं फेंसिंग करूंगा अब दोस्तों जाहिर सी बात है मैं फेंसिंग करने के लिए किसी बंदे को मान लो बाहर से बुलाऊंगा तो वो फेंसिंग फ्री पॉकेट में तो नहीं करेगा वो चाचा का लड़का तो नहीं है भैया अपने है ना पैसे लेगा कुछ तो वो आपको एक रेट बताता है वो जो बंदा होता है ना वो फेंसिंग करने का आपको एक रेट बताता है वो क्या बोलता है कि साहब कि साहब कि साहब बीस रुपया पर मीटर साहब बीस रुपया पर मीटर लूंगा बीस रुपया पर मीटर लूंगा मतलब इसका रेट पहले समझने की कोशिश करो कि भैया वो एक मीटर अगर फेंसिंग करेगा तो वो बीस रुपया चार्ज करेगा अगर वो एक मीटर फेंसिंग करेगा तो वो बीस रुपया चार्ज करेगा क्या ये बात समझ आ रही है अगर वो एक मीटर फेंसिंग करेगा तो वो बीस रुपया चार्ज करेगा ये बात समझ आ रही है अगर वो एक मीटर फेंसिंग करेगा तो वो बीस रुपया चार्ज करेगा तो मुझे क्या बता सकते हो कि सर्कुलर पार्क की फेंसिंग करने में सर्कुलर पार्क की फेंसिंग करने में वो टोटल कितना पैसा लेगा वो टोटल कितना पैसा लेगा या फिर मुझे कितना टोटल कॉस्ट उसको देना पड़ेगा कैसे पता सिंपल है 120 मीटर की फेंसिंग करानी है 120 मीटर की फेंसिंग करानी है है एक मीटर का बीस रुपये का टू इंटू ट्वेंटी सिंपल है दो मीटर का टू इंटू ट्वेंटी रुपीज तीन मीटर का अगर तीन मीटर के लिए निकालना तो तीन मीटर यहां पे मल्टीप्लाई करा तो तीन वहां पे मल्टीप्लाई करा थ्री इंटू ट्वेंटी रुपीज ऐसे करते 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 मुझे 120 मीटर फेंसिंग करानी है तो एक मीटर का इतना चौबीस सौ रुपए कितना चौबीस सौ रुपए लगेगा मतलब एक सौ 120 मीटर फेंसिंग करने का वो सामने वाला बंदा चौबीस सौ रुपए टू थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज लेकर जाएगा समझ में इसी चीज को दोस्तों देखो मैंने यूनिटरी मेथड से करा कि भैया एक चॉकलेट का प्राइस रुपए है तो 120 चॉकलेट्स का प्राइस कितना होगा इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो क्या कि कॉस्ट मतलब टोटल पैसा विल बी इक्वल टू पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस कह सकते हो पेरी अब ये फेंसिंग की बात है पेरीमीटर रेट पेरीमीटर रेट और याद रखना रेट आपका पर मीटर ही चाहिए। मतलब एक मीटर का बीस रुपए या फिर एक मीटर का दो रुपए का चार रुपए तो से भी कर सकते एक सौ बीस मीटर फेंसिंग करनी है रेट कितना है बीस रुपए तो यहां से भी आपका चौबीस सौ रुपए ही आंसर आता पर यह फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मूला को आप नोट कर लो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर है वैसी दोस्तों वैसे दोस्तों मान लो मान लो मान लो मान लो ये सर्कुलर पार्क है अब फेंसिंग ना करके घास उगानी उगानी है है अब फेंसिंग ना करके पे घास घास मतलब लगानी है। क्या तो आर्टिफिशियल ग्रास बंदे को बुलाओगे वो आपको रेट बताएगा सामने से आप बंदे को बुलाओगे चालीस रुपया लगेगा पर मीटर स्क्वायर उसने क्या रेट बताया कि चालीस रुपया लगेगा पर मीटर स्क्वायर मतलब समझ रहे हो वो एक मीटर स्क्वायर वो एक मीटर स्क्वायर घास लगाने का वो एक मीटर स्क्वायर घास लगाने का चालीस रुपए लेगा एक मीटर स्क्वायर एरिया में मतलब मान लो इतने एरिया में ये एक मीटर स्क्वायर अगर मैं मान लेता हूं ये मैं एक मीटर स्क्वायर मान लेता हूं तो एक मीटर मतलब इतने एरिया में घास लगाने के लिए वो चालीस रुपए चार्ज करेगा समझ में आए तो टोटल ओवरऑल घास लगाने में वो कितना चार्ज करेगा उसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लगाना कितना मीटर स्क्वायर है ठीक है तो मतलब इसका एरिया निकालना पड़ेगा तो मान लो इसका एरिया मैंने आपको बोल दिया दो मीटर स्क्वायर कितना बोल दिया दो मीटर स्क्वायर तो दो मीटर स्क्वायर घास लगाने का वो कितना पैसा चार्ज करेगा बहुत ईजी है देखो एक मीटर स्क्वायर कितना करेगा तो दो मीटर स्क्वायर का दो मीटर स्क्वायर के लिए यहां पे दो मल्टीप्लाई कर दो तीन मीटर स्क्वायर के लिए यहां पे तीन मल्टीप्लाई कर दो 200 मीटर स्क्वायर के लिए अगर आप यहां पे 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 हंड्रेड इंटू वन टू आएगा यहां पे 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो भैया जी कितना आ जाएगा आपका टू फोर समझे रुपीज बात ठीक है इसको आप मतलब आप समझ रहे हो मतलब इस पूरे सर्कुलर पार्क में जिसका एरिया इतना मीटर स्क्वायर है घास लगाने का वो बंदा आठ लेकर जाएगा ठीक इसको आप एक फॉर्मूले से भी कर सकते थे ये फॉर्मूला प्लीज आप नोट करिए फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला ये है कि भैया कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट मतलब आठ हजार रुपए विल बी इक्वल टू क्या एरिया इंटू रेट एरिया इंटू रेट क्लियर रहेगा भैया फॉर्मूला ठीक चलिए ठीक है थीक? तो बस भैया अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लीजिए देखिएगा क्या दिख रहा है इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक इज 220 मीटर दोस्तों अभी question वाला वाला. करते हैं तो inner circumference, दोस्तों मान मान लो कि है है. आपका. आपका लीजिए ये ठीक. ठीक. थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा इसको, इसको. ऐसा कर लेते ठीक है सर्कुलर ट्रैक है ना यहाँ पे या आपका ट्रैक आपका ट्रैक यहां पे भगने वाली चीज इनर सर्कम्फ्रेंस इनर सर्कम्फ्रेंस सबसे पहले दोस्तों हमें पता है आपका स्मॉल आर आपका कैपिटल आर ठीक है और यह क्या होता है आपका आपका विट होता है यह क्या होता है आपका आपका विट होता है ठीक 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 तो इनर सरकमफरेंस दे रहे हैं इनर इनर सरेंस आपको 220 मीटर दे रहे हैं दोस्तों मुझे बताओ इनर सरकमफरेंस दे रहे हैं मतलब टू पाईआर की वैल्यू 220 अंदर वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस 220 दे रहे हैं। यहां से अगर आप रेडियस की वैल्यू निकालने जाओगे तो रेडियस की वैल्यू आएगी टू ट्वेंटी इंटू सेवन अपॉन टू इंटू ट्वेंटी टू ये दोस्तों ट्वेंटी टू वन जा ट्वेंटी टू टेन जा टू वन जा टू फाइव जा रेडियस की वैल्यू आएगी थर्टी फाइव मीटर रेडियस आपका आ गया थर्टी फाइव मीटर किसका अंदर वाले सर्कल का अंदर वाले सर्कल का ठीक बहुत बढ़िया अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं द ट्रैक इज सेवन मीटर वाइड एवरीवेयर मतलब ट्रैक सेवन मीटर वाइड मतलब ये सेवन मीटर 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 मतलब ट्रैक की विथ्त दे रहे हैं सेवन मीटर क्या ये बात समझ आ रही है ट्रैक की विथ आपको सेवन मीटर दी जा रही है दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर करो क्या आप मुझे बता सकते हो आउटर रेडियस कितना होगा मतलब बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना होगा सर ये कैसे बताएंगे सोच के देखो सोच के देखो बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना होगा सोच के देखिए बहुत आसान है, है बहुत आसान है बड़े वाले सर्कल का रेडियस आर माइनस आर पूरे में से, ये, पूरे में से, अगर आप ये वाला पार्ट हटा दो कैपिटल आर से स्मॉल हटा दो तो विड्थ आएगी यस और नो यस सर तो आपको साथ दी हुई है आर पता नहीं, ये आपका थर्टी फाइव आ गया तो कैपिटल आर माइनस थर्टी फाइव इधर थर्टी फाइव प्लस सेवन फोर्टी टू तो कैपिटल आर की वैल्यू आ गई फोर्टी टू मीटर्स अब क्या बोला क्वेश्चन में कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ़ पुटिंग लगानी भैया फेंस आपको लगानी है आउटर सर्कल पे फेंस आपको लगानी है आउटर सर्कल पे क्या बात समझ आ रही है तो आउटर सर्कल पे फेंस लगानी है, तो पहले ये तो बताओ कितने मीटर की फेंसिंग करनी है तो कितना मीटर की फेंसिंग करनी पड़ेगी जितना आउटर सर्कल का क्या होगा सरकमेंस तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हमें आउटर सरेंस निकालना होगा कैसे आएगा टू पाए कैपिटल आर के बराबर मतलब टू इंटू ट्वेंटी टू इंटू ट्वेल्व टू वन टू टू फोर सिक्स टू बहुत बढ़िया मतलब 264 मीटर की आपको फेंसिंग करनी है तो 264 मीटर की फेंसिंग करने के लिए जब आप बाहर से किसी बंदे को बुलाओगे तो वो कितना पैसा चार्ज करेगा भैया सिंपल है रेट आपको दिया हुआ है टू पर मीटर टू पर मीटर तो कितना इजी आपको फॉर्मूला पता है फॉर्मुले से कर दो कॉस्ट बराबर पेरीमीटर टू रेट तो पेरीमीटर कितना दोस्तों 264 रेट कितना टू तो यह आपका मेरे ख्याल से फाइव फोर हंड्रेड सिक्सटी फोर ठीक है फाइव ट्वेंटी एट रुपीज आ जाएगा यह आपका यह आपका आंसर क्लियर है ठीक है इस क्वेश्चन में क्या सीखे देखो इनर सरेंस दिया था इनर रेडियस निकल गया अब इनर रेडियस निकल गया दिया तो आउटर रेडियस निकल जाएगा आउटर रेडियस निकल गया तो आउटर सर्कम्फ्रेंस निकल जाएगा आउटर सर्कम्फ्रेंस क्यों निकालना है क्योंकि बाहर वाले सर्कल में वायरिंग करनी या फिर फेंसिंग करनी है बाहर बाहर है ना चलिए तो कितना पैसा लगा फाइव ट्वेंटी एट रुपीज 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 रुपीज, 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 रुपीज.

और सर के पार्ट को आप आर्क कहते हो जैसे कि मान लो मैंने इसको लिया मैंने ये लिया तो इसको आप एक आर्क कह सकते हो ठीक है मान लो मैंने ये लिया बड़ा सा इसको भी आप एक आर्क कह सकते हो मान लो मैंने इतना बड़ा कुछ ले लिया इसको भी आप क्या एक आर्क कह सकते हो क्या ये बात समझ आ रही है क्या ये बात समझ आ रही आ रही सर अब मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों दो तरीके की आर्क होती है आराम से सुनना मान लो मैंने सर्कल लिया दोस्तों सर्कल का सेंटर तो ये डायमीटर होगा तो ये डायमीटर होगा ठीक है क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या मैं ऐसा कह सकता हूं ये सेमी सर्कल है या फिर ऐसा कह सकता हूं ये भी एक आर्क है भाई सर के पार्ट को आर्क कहता हूं तो ये भी तो एक आर्क हुई ये भी तो आर्क हुई हाँ सर ये भी तो आर्क हुई हाँ सर ठीक है इनफैक्ट ये भी आर्क हुई भाई पहले तो आप आर्क का मतलब क्लियर करो देखो ये सर्कल है ठीक ओके सर ओके सर दोस्तों सरकमफ्रेंस का मान लो मैंने इतना बड़ा पार्ट ले लिया सरकमफ्रेंस का मान लो मैंने इतना बड़ा पार्ट ले लिया सरकम का मान लो मैंने इतना बड़ा पार्ट ले लिया इसको भी अपन क्या बोल सकता है एक आर्क कह सकता है ठीक है अब यहां पे आप ये चीज समझने की कोशिश करो मान लो ये सर्कल है ठीक है मानना क्या सर्कल है ठीक है ये मैंने डायमीटर बनाया मुझे बताओ इसको आप सेमी सर्कुलर आर्क कह सकते हो इसको आप सेमी सर्कुलर आर्क कह सकते हो इसको आप सेमी सर्कुलर आर्क कह सकते हो यस और नो सेमी सर्कल है और आर्क है तो सेमी सर्कुलर आर्क कह दिया ठीक है अब दोस्तों दो तरीके की आर्क होती है क्या अगर सेमी सर्कुलर आर्क से छोटी आर्क है तो उसको मैं माइनर आर्क कहता हूं और अगर सेमी सर्कुलर आर्क से बड़ी आर्क है तो उसको मैं मेजर आर्क कहता हूं क्या ये बात समझ आए फिर से बोलूंगा लो मैंने सर्कल बनाया ठीक है मुझे बताओ मुझे बताओ अगर मैं ये आर्क ले रहा हूं अगर मैं ये इतनी बड़ी आर्क ले रहा हूं अगर मैं इतनी बड़ी आर्क ले रहा हूं ये आर्क सेमी सर्कुलर आर्क से बड़ी है कि छोटी है बड़ी है बड़ी तो इसको आप मेजर आर्क बोलोगे क्या बात समझ आई सेमी सर्कुलर आर्क से छोटी आर्क मान लो मैंने इतनी छोटी आर्क ली मान लो मैंने ये आर्क ली ठीक है तो जाहिर सी बात है ये सेमी सर्कुलर आर्क से छोटी है मतलब ये माइनर आर्क हो गई इसके बारे में और बात करेंगे आगे देखिए क्या बोले एन आर्क ऑफ अ सर्कल हुन दैट ऑफ अमी सर्कल इज कॉल्डम माइनर आर्क एक ऐसी आर्क सर्कल की जिसका लेंथ सेमी सर्कुलर आर्क से छोटा उसको मैं माइनर आर्क कहूंगा और एक ऐसी आर्क सर्कल की जिसकी लेंथ बड़ी हो सेमी सर्कल से उसको मैं मेजर आर्क कहूंगा क्या ये बात समझ आ रही है आप लोग आंसर करो ये सर्कल है ठीक है आपका डायमीटर होगा दोस्तों अगर मैंने अगर मैंने ये आर्क ली बताओ इसको मेजर आर्क बोलेंगे या माइनर आर्क बोलेंगे बताओ इसको मेजर बोलेंगे माइनर बोलेंगे सिंपल है इसको आप माइनर आर्क बोलोगे क्योंकि ये आर्क आपको साफ साफ दिख रहा है ये से आपका सेमी सर्कल है सेमी सर्कुलर से छोटी है ठीक अब वैसे ही मान लो मैंने ये लिया ठीक ये आपका डायमीटर है तो मोटा मोटा आपको समझ में आ रहा है ये आपका सेमी सर्कल होगा या फिर यह आपका सेमी सर्कल होगा ठीक है मुझे बताइए अगर मैं इतनी बड़ी आर्क ले रहा हूं अगर मैं ये आर्क ले रहा हूं ये आर्क सेमी सर्कल से बड़ी है छोटी है बड़ी है तो इस आर्क को आप मेजर आर्क कहोगे आर्क माइनर आर्क और मेजर आर्क क्लियर हुआ मेरे ख्याल से हुआ होगा चलिए अब दोस्तों सेक्टर ऑफ अ सर्कल का मतलब क्या होता है ध्यान से सुनिएगा सेक्टर एक ऐसा शेप होता है जो कुछ पिज्जा टाइप का होता है मैं बताता हूं क्या डेफिनेशन क्या सिंपल देखना दोस्तों तो ये मैंने सर्कल बनाया पहले डेफिनेशन समझो मैंने सर्कल बनाया ठीक है सर्कल क्या? सर्कल का मैंने सेंटर ले चलो पहले अच्छे से बनाता हूं सर्कल देखो इधर देखो इधर आराम से एकदम आराम से इसको अगले पेज में ही अलग से बताता हूं देखना जरा ध्यान दे एकदम आराम से देखो ना सिंपल है उसके बाद आपको फॉर्मूले भी बताऊंगा तो तो ये सर्कल है ठीक है सर्कल का मैंने सेंटर लिया दोस्तों तो मैंने ये रेडियस बनाया और मैंने ये रेडियस बनाया पहले सुनने और समझने की कोशिश करना पहले सुनने और समझने की कोशिश करना और सेम चीज और सेम चीज सेम सर्कल मान लो मैंने यहां पे लिया और यहां पर भी मैंने ऐसे दो रेडियस बना दिए सुनना मेरी बात ध्यान से आराम से सुनना ठीक है दोस्तों तो ये रेडियस और आर्क मिलकर क्या बोला मैंने ये रेडियस ये दोनों रेडियस ये दोनों रेडियस और आर्क कौन सी आर्क है ये मेजर है या माइनर है मेजर है या माइनर है माइनर आर्क है ये बात सबको क्लियर है यह आपकी माइनर आर्क है सेमी सर्कुलर। भाई सेमी सर्कुलर आर्क कितनी बड़ी होगी उससे छोटी है तो रेडियस और आर्क मिलकर रेडियस और आर्क मिलकर ये जो शेप बनाते हैं इसको आप कहते हो सेक्टर इसको आप कहते हो सेक्टर मैंने क्या बोला रेडियस और आर्क मिलके, रेडियस और आर्क मिलके, मिलके, दो रेडियस और आर्क मिलके, दो रेडियस और आर्क मिलके जो शेप बनाते हैं उसको आप सेक्टर कहते हो कुछ पिज्जा टाइप पिज्जा टाइप का आपको दिख रहा होगा पिज्जा टाइप का ठीक है अब बस फर्क ये है दो तरीके के सेक्टर होते हैं मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर मोटा मोटा आप ऐसा सोच सकते हो कि मेजर सेक्टर बड़ा होता है माइनर सेक्टर छोटा होता है मैं बताता हूं कहने का मतलब क्या डेफिनेशन डेफिनेशन क्लियर क्लियर है है दो रेडियस और आर्क मिलकर दो रेडियस और आर्क मिलकर दो रेडियस और आर्क मिलकर, मिलकर अब समझना वैसे ही वैसे ही ही वैसे यहां पर भी ये दो रेडियस है यहां पर भी ये दो रेडियस है और ये भी तो आर्क है भैया ये भी तो आर्क हुई हां सर ये भी तो आर कोई? हाँ सर ये भी तो आर कोई हाँ सर तो भाई तो भाई तो भाई रेडियस रेडियस और आर्क रेडियस और आर्क रेडियस और आर्क रेडियस 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 और आर्क रेडियस और आर्क मिलके ये वाला शेप बना रहे इसको भी आप सेक्टर बोलोगे सिंपल भाषा में याद रखना है दो रेडियस और आर्क मिलकर दो रेडियस और आर्क मिलकर जो शेप बनाते हो उसको आप सेक्टर कहते हो बस फर्क ये है कि एक मेजर सेक्टर होता है एक माइनर सेक्टर होता है मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। दोस्तों तो बताओ सबसे पहले तो ये जो आर्क है ये मेजर आर्क हुई ये जो आर्क है ये आपकी मेजर आर्क हुई याद रखो मैंने क्या बोला फिर से रिपीट करूंगा दो रेडियस और आर्क मिलके जो शेप बनाते हो उसको आप सेक्टर कहते हो दो रेडियस और माइनर आर्क मिलके जो शेप बनता है उसको आप माइनर सेक्टर कहते हो क्या बोला मैंने उसको आप माइनर सेक्टर कहते हो माइनर सेक्टर और रेडियस और आर्क मिलकर रेडियस और आर्क मिलकर रेडियस और आर्क मिलकर जो शेप बनाते हैं उसको आप सेक्टर तो कहते हो लेकिन अगर रेडियस और मेजर आर्क मिलकर रेडियस और मेजर आर्क मिलकर वो सेक्टर बना रहे हैं रेडियस और मेजर आर्क मिलकर रेडियस और मेजर आर्क मतलब बड़ी वाली आर्क मिलकर वो सेक्टर बना रहे हैं तो उसको आप मेजर सेक्टर कहते हो उसको आप उसको आप मेजर सेक्टर कहते हो क्लियर हुआ क्लियर हुआ समझ में आया तो हम लोगों ने दो तीन चीजें सीखी क्या आर्क का मतलब क्या सर्कल के सर्कम्फ्रेंस के छोटे या बड़े पार्ट को आप आर्क कहते हो मेजर आर्क क्या होती है जो तो सेमी सर्कल से बड़ी हो माइनर आर्क क्या होती है जो सेमी सर्कल से छोटी हो सेक्टर क्या होता है दो रेडियस और आर्क मिलकर दो रेडियस और आर्क मिलकर दो रेडियस और आर्क मिलकर जो शेप बनता है उसको आप सेक्टर कहते हो फर्क क्या अगर दो रेडियस और माइनर आर्क मिलकर शेप बन रहा है तो उसको आप माइनर सेक्टर कहोगे अगर दो रेडियस अगर दो रेडियस और मेजर आर्क मिलके जो शेप बन रहा है सेक्टर तो है पर उसको आप मेजर सेक्टर कहोगे क्योंकि आपकी मेजर आर्क है क्लियर हो गया सिंपल सा पंडा है ना चलिए अब यहीं पर दोस्तों अब यहीं पर दोस्तों थोड़ा सा और समझने की कोशिश करना क्या हमें सेक्टर का एरिया में इंटरेस्ट है मेरी बात ध्यान से सुनना यहां पर आपको सारे कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बताता हूं देखना तो संभाल लो ये आपका सर्कल का सेंटर ठीक सर्कल का मैंने बनाया सर्कल का मैंने बनाया सेंटर ठीक मैंने बनाया दो रेडियस मैंने बनाया दो रेडियस

एंगल बाय एंगल सब्टेंडेड बाय द आर्क कह सकते हैं एंगल सब्टेंडेड बाय माइनर आर्क कह सकते हैं। खैर लिखने की इसको जरूरत नहीं है आप ये आपको कुछ एंगल होगा आपका सेक्टर का एंगल कहलाता है ये सेक्टर, ये सेक्टर आपके सेक्टर का एंगल कहलाएगा ठीक है दोस्तों रीडर्स है आपका स्मॉल आर दोस्तों इसको अपन क्या बोलते हैं इसको अपन क्या बोलते है आर्क बोलते हैं भाई आर्क है ना ये आर्क है ना तो इसको अपन लोग आर्क की लेंथ क्या इसको अपन लोग आर्क लेंथ कहते हैं आर्क की लेंथ जिसको, अच्छा लेंथ लेंथ, जिसको अपन लोग स्मॉल एल से डिनोट करते हैं रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं आर्क लेंथ को स्मॉल एल से डिनोट करते हैं क्या ये बात समझ आ रही है अब यहां पे आपको दो फॉर्मुले याद रखने सबसे पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला नोट कर लो ठीक तो है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला दोस्तों थीटा बाय थ्री सिक्स इंटू स्क्वायर सर्कल का एरिया पा आर ऐसा क्यों इसके पीछे का रीजन अभी आपको जानने की जरूरत नहीं हम लोग बड़े बड़े बैच मतलब जो हमारा ईयर लॉन्ग बैच होता है उसमें हम लोग बताते हैं बट फिलहाल कोई आपसे नहीं पूछेगा आपको पहला फॉर्मूला क्लियर हुआ कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है ये ठीक है भैया ओके आपके एरिया ऑफ सेक्टर का अभी क्वेश्चन करके दिखाओ तो समझ में आएगा ठीक है फॉर्मूला ये आर्क ये आर्क ये आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला मतलब यहां से लेकर यहां तक यहां से लेकर यहां तक निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा बाय थ्री सिक्सटी इंटू टू पाई आर्क कुछ लोग इसको ऐसा भी लिखते हैं टू थ्री सिक्स काट दो तो थीटा बाय एटी इंटू पायर जो आपकी मर्जी आप वो लिख सकते हो ये आपके आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है क्लियर है ठीक है यहां से दोस्तों एक और फॉर्मूला बनाया गया एरिया ऑफ सेक्टर का क्या एरिया ऑफ सेक्टर का एक और फॉर्मूला होता है अगर आपको आर्क लेंथ दी हुई है हाफ इंटू एल इंटू आर हाफ एल मतलब आर्क लेंथ और आर्क मतलब रेडियस ये आपका एक और फॉर्मूला बस इस तीन फॉर्मुले पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यूं ही बन जाएंगे अब कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूं ज्यादा अच्छे से आपको क्लैरिटी आएगी बस ये तीन फॉर्मुले पहले नोट कर लो ठीक है चलिए पहले वाला क्वेश्चन करते हैं देखिएगा जरा क्या बोल रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालना है रेडियस इतना दिया हुआ है सेंट्रल एंगल इतना दिया हुआ है सिंपल है आप ऐसा सोचो ये आपको सर्कल दिया हुआ है ये मान लो दो रेडियस होगा दोनों रेडियस के में सेंट्रल एंगल 45 डिग्री बन रहा होगा और रेडियस आपको 28 और 28 दिया हुआ है हमें क्या एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है मतलब क्या निकालना है हमें एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है मतलब ये चीज निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या सिंपल है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला देखना जरा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो गया भैया फॉर्मूला क्या होता है थीटा बाय थ्री सिक्सटी इंटू पाए आर स्क्वातना दोस्तों फोर्टी फाइव थ्री सिक्सटी वैसा का वैसा पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू की वैल्यू क्या ट्वेंटी फोर जाइन फाइव नाइन फोर्टी 9 वन जा टू वन जा टू इलेवन जा. इंटू ट्वेंटी एट मेरे ख्याल से बच रहा है ट्वेंटी एट इंटू इलेवन वन एट जन टू ज टू वन एट एट वन आपका आंसर आ रहा है तो एरिया ऑफ सेक्टर हो गया थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर समझ गए ये आपका आंसर ये आपका आंसर इजी है बहुत इजी है ये वाले सेक्टर के एरिया का आंसर आ गया थ्री जीरो एट सेंटीमीटर स्क्वायर आइए कुछ और सवाल करते हैं जरा देखिएगा यहां पर क्या बोल रहे हैं एकदम आराम से बढ़िया सवाल है इसको भी आप एक बार स्टार मार्क कर कर नोट कर लीजिए जरा क्या बोल रहे द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर सेक्टर का पेरीमीटर सेक्टर का पेरीमीटर डरना नहीं है दोस्तों तो किसी भी शेप के पेरीमीटर का मतलब उसके बाउंड्री की लेंथ किसी भी शेप के पेरीमीटर का मतलब जब आप उस शेप के बाउंड्री में चलोगे तो आपने कितना डिस्टेंस कवर करा किसका पेरीमीटर दे रहे सेक्टर का पेरीमीटर किसका पेरीमीटर सेक्टर का तो मान लो ये सर्कल है बहुत बढ़िया मान लो दोस्तों मैंने ये सेक्टर बनाया ठीक है पेरीमीटर का मतलब क्या समझना पेरीमीटर मान लो इसको ओ बोला इसको ए बोला इसको बी बोला पेरीमीटर का मतलब क्या ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस यस ये और नो यस और नो तो सेक्टर का पेरीमीटर क्या पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पहले क्लियर होना चाहिए पेरीमीटर ऑफ सेक्टर आपको दिया जा रहा है सिक्सटीन पॉइंट फोर सेंटीमीटर दोस्तों पेरीमीटर ऑफ सेक्टर मतलब ओ से ए गए फिर ए से बी गए फिर बी से ओ गए तो ऐसा लिख सकता हूं पेरीमीटर ऑफ सेक्टर मतलब ओ ए प्लस ओ बी प्लस ए बी ए बी मतलब ए बी आर्क आर्क ठीक है ये आ गया आपका सिक्सटीन पॉइंट फोर दोस्तों अब ओ ए कितना है ओ ए मतलब रेडियस आपको रेडियस फाइव पॉइंट टू सेंटीमीटर दे रखा है ठीक है तो ओ ए की जगह लिखा अपन ने फाइव पॉइंट टू

16.4 तो l की वैल्यू आ गई 16.4 माइनस 10.4 तो l आपका आ गया भैया 0.4.4 गया तो 6 10 ये आपका 6 आ गया आर्क लेंथ आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर अब हमको क्या बोला आराम से हमको बोला एरिया ऑफ द सेक्टर निकालो दोस्तों एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला तो क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है थीटा 360 इंटू पायर स्क्वायर तो आर तो पता है पर थीटा नहीं पता भाई आपको थीटा नहीं पता ना आपको थीटा नहीं पता ना तो कैसे करोगे मैंने बताया था दूसरा फॉर्मूला अगर आपको आर्क लेंथ दी हुई अगर आपको आर्क लेंथ दी हुई है तो सेक्टर का एरिया आप हाफ एल आर से भी निकाल सकते हो हाफ एल कितना सिक्स आर्क लेंथ सिक्स है रेडियस कितना है भैया फाइव पॉइंट टू जिसको आप फिफ्टी टू बाय टेन लिख सकते हो तो टू थ्री जा सिक्स फिफ्टी टू 156 by 10, तो ये formula, ओ, आ गया 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपके एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आंसर आ गया क्लियर है आपको बस ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आर्क लेंथ के टर्म्स में हाफ इंटू एल इंटू आर भी होता है हाफ इंटू एल इंटू आर होता है तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना तो या तो सेंट्रल एंगल पता होना चाहिए

मतलब शीशे को साफ करने के लिए यूज करा जाता है विच डू नॉट ओवरलैप तो भैया वाइपर ओवरलैप नहीं करेंगे मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो ऐसे आ गए ऐसा नहीं होगा कि एक के ऊपर एक आ गए ऐसे ऐसे बस चलते रहते ठीक है बहुत बढ़िया ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ वन वन फाइव डिग्री आप समझना तो मान लो एक वाइपर ये है ठीक है ये वाइपर है तो ऐसे हाथ चलेगा ऐसे हथ चलेगा अब इमेजिन करो जब ये स्वाइप करता है या फिर स्वाइप, स्वाइप नहीं स्वीप करता है तो ये कैसे करेगा समझना ऐसा था ऐसा था ऐसा ये इधर आएगा समझ में ना मैं आप इमेजिन करो ना ये वाइपर है ये ऐसा आएगा ये ऐसा आएगा ये ऐसा आएगा, आएगा अब समझ इसकी पोजीशन फिर पोजीशन फिर इधर आया फिर इधर आया ये ऐसे ऐसे चलेगा एस तो कौन सा शेप बन रहा है कोई बता सकता है कौन सा शेप बन रहा है कोई बता सकता है ऐसे स्वाइप करेगा वो यस यस और और नो नो इमेजिन करो बस क्या ये कार का वाइपर है ठीक है ये ऐसे 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 तो मान लो पहले ये इधर था इधर आ गया कितने एंगल पर स्वीप कर रहा है ये दिया हुआ है कि 115 डिग्री पर कार का वाइपर स्वीप कर सकता है ठीक है तो यह एक वाइपर है ये एक वाइपर है ये एक वाइपर है ये ऐसे 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 होता रहेगा ठीक है कार अच्छा वाइपर के जो ब्लेड है उसकी लेंथ आपको दी हुई है सेंटीमीटर अब एक बात बताओ ये कौन सा शेप आ रहा है ऐसी होगा ना कौन सा शेप है दोस्तों ये कैसा शेप दिखाई दे रहा है सेक्टर दिखाई नहीं दे रहा सोच के देखो यह आपको यह आपको सेक्टर दिखाई नहीं पड़ रहा यह आपको सेक्टर दिखाई नहीं पड़ रहा सोच के देखो सोच के देखो सेक्टर दिखाई दे रहा है जिसका सेंट्रल एंगल 115 डिग्री दिया हुआ है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप हमको ये निकालना है कि ईच मतलब एक स्वीप पर कितना एरिया क्लीन हो रहा है एक स्वीप पर कितना एरिया मतलब इतना एरिया क्लीन होगा एक स्वीप पर इतना एरिया क्लीन होगा इतना मतलब एरिया ऑफ सेक्टर यस और नो यस और नो बहुत बढ़िया तो एरिया क्लीन आराम से एरिया क्लीन एट ईच स्वीप एट ईच स्वीप विल बी इक्वल टू क्या एरिया ऑफ सेक्टर विल बी इक्वल टू क्या एरिया ऑफ सेक्टर और दोस्तों इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्यों रीजन बताओ रीजन बताओ उन्होंने क्या बोला आकार है 2 वाइपर्स तो दोनों अगर स्वीप करेंगे भाई एक तो ऐसे कर रहा है अब एक मान लो यहां पर होगा अब एक मान लो भाई एक वाइपर ये एक वाइपर ये तो ये ऐसे स्वीप करेगा ये ऐसे स्वीप करेगा समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं तो दो वाइपर है तो एक वाइपर एरिया ऑफ सेक्टर दो वाइपर तो के लिए टू इंटू एरिया दोनों वाइपर मिलकर एरिया स्वीप करेंगे इतना एरिया एरिया ऑफ ऑफ सेक्टर सेक्टर तो तो बहुत बढ़िया तो टू सेक्टर का थीटा चलिए जितना पीटी कर सकते कर लीजिए दोस्तों तो बचा बचा कुछ कट रहा है क्या मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा है तो इसको आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा टू इंटू ट्वेंटी थ्री कितना फोर्टी सिक्स होता है 46 into 22 कर लो. 46 into 22, अच्छा ये टू से और कट जाएगा मेरे ख्याल से ना टू वन झा टू थर्टी सिक्स और कुछ कट जाएगा टू एटीन टू इलेवन जा और कुछ और कुछ नहीं करेगा तो ट्वेंटी थ्री इंटू इलेवन ट्वेंटी थ्री कितना टू फाइव थ्री यहां पे आ गया दोस्तों फाइनल आपका ऐसा कुछ टू फिफ्टी थ्री मल्टीप्लाइड बाई सिक्स ट्वेंटी फाइव होता ट्वेंटी डिवाइडेड बाई एटीन यूनिट क्या यूनिट आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों ये आप लोग सॉल्व कर लेना कैसे करोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो डिवाइडेड बाय 18 कर देना ठीक चलिए अब 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 ये एक सेकेंड यार दोस्तों यहां पे ना देखो ना 18 और 7 यहां पे 7 भी आएगा नीचे ना तो इसको सेवन भी कर लीजिएगा ना कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए चैप्टर ही पूरा कैलकुलेशन के ऊपर है कुछ मेरे ख्याल से समथिंग समथिंग इसका आंसर आएगा हो जाए अच्छा सवाल इसके बाद एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं क्लॉक वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है समझना चलिए इसको देखिए इन सर्कल ऑफ डायमीटर फोर्टी टू सेंटीमीटर यार देखो ये चैप्टर में ना ज्यादा कुछ है नहीं बस डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ज्यादा ग्� आपको घुमाने की वो कोशिश करेंगे ही नहीं

लेंथ ऑफ़ थीटा कितना दोस्तों बाय थ्री सिक्स इंटू टू इंटू ट्वेंटी टू बाई सेवन आर कितना दोस्तों ट्वेंटी वन जीरो और टू वन झा टू थ्री झा थ्री वन जा थ्री सेवन सेवन वन जा सेवन वन जा, 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 जा तो लेंथ ऑफ आर्क आ गई ट्वेंटी टू लेंथ ऑफ आर्क आ गई आपकी ट्वेंटी टू सेंटीमीटर क्लियर है एक आर्क सर्कल के सेंटर पर एक आर्क सर्कल के सेंटर पर एक आर्क सर्कल के सेंटर पर साठ डिग्री एंगल बना रही है तो लेंथ ऑफ आर्क पूछा वो आर्क की लेंथ पूछा लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मला आप सब जानते हो ठीक है बेसिक सा क्वेश्चन था ये भी अब 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 एक ये वाला कर लिया जाए मेरे ख्याल से ये तो इजी है ना लेंथ ऑफ आर्क ये तो इजी है दोस्तों तो डिलीट कर दो ये इजी क्वेश्चन है चलिए 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 कुछ और सवाल बस उसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त आइए सवाल पहले योला कर लेते हैं अच्छा सवाल है क्या बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों कुछ ही चंद अच्छे क्वेश्चन इस चैप्टर से बनाए जा सकते हैं उनमें से एक ये चार स्टार्क मार्क करके क्वेश्चन को नोट करिएगा ठीक है क्या दे रहे राइट फील्ड आर 25 मीटर 24 मीटर एंड 7 मीटर साइड्स ऑफ अ राइट ट्रेंगुलर फील्ड राइट ट्रैंगुलर फील्ड होगी उसकी साइड दे रखिए राइट ट्रैंगुलर फील्ड होगी उसकी साइड दे रखी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फोर सेवन दोस्तों राइट ट्रैंगुलर फील्ड है मान लो यहां पर नाइन्टी डिग्री है मान लो यहां पर नाइनटी डिग्री है ठीक है तो ट्वेंटी फाइव सबसे बड़ा होगा यस और नो 90 के सामने वाला सबसे बड़ा तो इसको मैंने 25 बोल दिया हाइपो को इसको मान लो मैं 24 कह देता हूं और इसको मान लो मैं सेवन कह देता हूं कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं ठीक है एट द थ्री कॉर्नर ऑफ द फील्ड फील्ड के तीन कॉर्नर्स पर फील्ड के तीन कॉर्नर्स पर ठीक है भैया फील्ड के तीन कॉर्नर्स पर अकाउ अ बफेलो हॉर्स आर टाइड एक काउ एक बफेलो हॉर्स को बांध दिया गया मतलब इस कॉर्नर पर इस कॉर्नर पर मान लो हॉर्स बांध दिया गया इस कॉर्नर पर मान लो काउ बांध दिया गया और इस कॉर्नर पर मान लो बांध दिया गया ठीक है भैया बांध दिया गया रस्सी से ठीक है विथ रोप ऑफ थ्री पॉइंट फाइव मीटर इच किस रोप से थ्री पॉइंट फाइव मीटर समझना एक रोप होगी एक रोप होगी इस रोप की लेंथ इस रोप की मान लो ऐसे सीधी रोप होगी ठीक है इस रोप की लेंथ आपको दे रहे हैं थ्री पॉइंट फाइव मीटर यहां पर ऐसे आपकी काव बंदी हुई है ठीक है भैया ठीक है भैया फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड दैट नॉट बी ग्रेज बाय दीज एनिमल्स बढ़िया क्वेश्चन है क्या बोला फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड दैट नॉट बी ग्रेज बाई दीज एनिमल्स सिंपल इतना समझो भाई आप ऐसे सोचो तो अगर किसी काओ को मैं इधर बांध दूंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ फील्ड में इतने पार्ट में घूम पाएगी ये सर हम सोच के देखो ना भाई वो 3.5 मीटर से बंदी है तो ज्यादा से ज्यादा वो इतना घूम पाएगी यस और नो यस और नो यस सर वैसे यहाँ पे हॉर्स बंदा है तो वो ज्यादा से ज्यादा ऐसे बंदा तो वो ऐसा घूम पाएगा यस और नो इतना एरिया घूम पाएगा मतलब इतना एरिया कुछ समझ में आ रहा है ठीक है यहाँ पे बफेलो बंदा है तो मान लो वो थ्री पॉइंट फाइव मीटर के रूप से बंदा है तो वो ज्यादा से ज्यादा इतना घूम पाएगा यस और यस और नो यस सर समझ में आ रहा है तो बफेलो इतना पार्ट कवर कर पा रहा है काउ इतना पार्ट कवर कर पा रहा है हमसे क्या पूछा फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड दैट के नॉट बी ग्रेस फील्ड का कुछ एरिया बच रहा है जहां पर तीनों जानवर नहीं ग्रेज कर पा रहे फील्ड का कुछ पिंक वाला एरिया बच रहा है जहां पर तीनों जानवर नहीं ग्रेज कर पा रहे ये एरिया कितना होगा ये एरिया कितना होगा कैसे निकालोगे अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि ये शेप कौन सा दिख रहा है सेक्टर ये शेप कौन सा सेक्टर ये कौन सा सेक्टर तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर हमसे पूछा जाता कि कितना एरिया वो ग्रेस कर पा रहे हैं तो एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्स एरिया बाय बाय एरिया समझ रहा है तो सबसे पहले काम करते निकाल लेते सबसे पहले एरिया ग्रेज निकाल लेते हैं कैसे निकलेगा भैया एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ग्रेज बाय हॉर्स एरिया या फिर एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर ग्रेज बाय हॉर्स आराम से ग्रेज बाय हॉर्स प्लस प्लस एरिया ऑफ सेक्टर ग्रेज बफेलो प्लस एरिया ऑफ सेक्टर ग्रेज बाय काउ यस सो रहा अब दोस्तों एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मुले में क्या, क्या थीटा बाय थ्री टा बा आर तो पता है सबको क्या रेडियस कितना थ्री पॉइंट फाइव भाई रोप की क्या करा बस ये समझना का एंगल मुझे नहीं पता. सेक्टर का मुझे एंगल नहीं पता अच्छा ये तो चलो पता है नाइनटी ये दोनों कितना होगा पता नहीं छोड़ दो जाने दो मैं आपको बताता हूं मान लो अगर इस एंगल को मैंने बोला थीटा वन आपको ये दिखाई दे रहा है मान लो इस एंगल को मैंने थीटा वन बोला अच्छे से लिख देता हूं यहां पे यहाँ पे मिटाता हूँ मैं पहले आराम से एक बार आप देख लो ठीक है ठीक देखना जरा तो, तो मान लो इस एंगल को मैंने बोल दिया थीटा वन इस एंगल को मैंने बोल दिया थीटा छोटा करते हैं इसको इस एंगल को मैंने थीटा टू कहा इस एंगल को मैं थीटा वन कहा और इस एंगल थीटा थ्री कहा ठीक है अगर अपन को पता है कि ये रोप है कितना ग्रेज हो पा रहा है इतना ग्रेज हो पा रहा है ठीक है ठीक है ये रोप है इतना ग्रेज हो पा ठीक है, 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 है आराम थीटा 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 से सुनना ठीक है दोस्तों एरिया ऑफ सेक्टर ग्रेज बाय कितना होगा हॉर्स अगर मैं दोस्तों इसको मान लेते हैं हॉर्स इसको मान लेते हैं काउ और इसको मान लेते हैं बफेलो तो एरिया ऑफ सेंटर मतलब थीटा बाय 360 सिक्सटी पाई आर स्क्वायर ठीक है तो एरिया ऑफ पहले हॉर्स की बात कर रहा हूं तो थीटा टू बाय 360 सिक्सटी इंटू पाए आर रुसो आर कितना है 3.5। पॉइंट आर को आर ही लिखे रहने देते हैं ठीक है प्लस समझना थीटा बफेलो का कितना थीटा थ्री अपॉन थ्री पाई आर इसका भी रेडियस आर है थ्री है ना क्या काउ का तो थीटा एरिया ऑफ 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 सेक्टर 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 बाय 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 हॉर्स एरिया एरिया काउ ठीक अब मैंने क्या दिमाग लगाया निकाल लेता हूं बाई थ्री सिक्स अगर मैं बाहर निकालूंगा तो यहां पे बचेगा थीटा टू यहां पे बचेगा थीटा 3 थी और यहां पे बचेगा थीटा 1 भाई हमें एंगल तो पता ही नहीं चलो ठीक है इसको तो मैं 90 वाले तो कोई दिक्कत नहीं है पर हमें अगर मोटा-मोटा देखो थीटा 2 थीटा 3 थी नहीं पता मगर मतलब अगर सेक्टर का एंगल नहीं पता तो उसका एरिया फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है पर अगर आप दिमाग लगाओ मुझे बताओ तीनों एंगल का सम कितना होगा सोच के बताओ भाई हमें इंडिविजुअली एंगल की वैल्यू नहीं पता पर हमें यह जरूर पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होगा सिंपल है तीनों एंगल ट्राइंगल के एंगल है तीनों एंगल ट्राइंगल के एंगल ट्राइंगल के एंगल से कम कितना होता है वन तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं एरिया ग्रेस्ड एरिया ग्रेस जो हम निकाल रहे हैं कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय थ्री सिक्सटी क्यों थीटा वन प्लस थीटा टू थीटा थ्री थी वन के बराबर ये वन जा ये टू जा वैल्यू रख लो तो ट्वेंटी तो टू रेडियस की जगह दोस्तों कितना 3.5 पॉइंट फाइव इंटू थ्री पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई टू ठीक है अब देखो सॉल्व करने का तरीका ट्वेंटी टू बावन थ्री पॉइंट फाइव को मैंने लिखा थर्टी फाइव बाई टेन थ्री पॉइंट फाइव को थर्टी फाइव बाई टेन और यहां पे लिखा और यहां पे क्या वन बाय टू लिख दो कोई दिक्कत तो नहीं कोई दिक्कत नहीं सेवन फाइव जा फाइव वन साइव टू झा ठीक है फाइव सेवन जाइव टू ठीक है टू वन सा टू इलेवन जा 5,

बफेलो और हॉर्स ने मतलब इतने मतलब ये वाला पर्पल ये वाला पर्पल ये वाला पर्पल पे अपना जानवर घूम पा रहा है ग्रेस कर पा रहा है तो जितने में ग्रेस कर पा रहा है वो मैंने निकाल लिया पर मुझे क्या क्या बोला निकालने के लिए मुझे ये बोला निकालने के लिए कि कितने में मेरे जानवर ग्रेज नहीं कर पाएंगे मतलब ये पिंक वाला एरिया मतलब ये पिंक वाला एरिया तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं पिंक वाला एरिया कैसे निकलेगा ट्रायंगल के एरिया से अगर आप तीन पर्पल वाला एरिया हटा दो ट्राइंगल के एरिया से अगर आप तीन पर्पल वाला एरिया हटा दो तो आपको पिंक वाला एरिया मिल जाएगा तो एरिया नॉट ग्रेज्ड बाय एनिमल्स क्या लिखेंगे एरिया नॉट ग्रेज्ड बाय एनिमल्स नॉट ग्रेज्ड बाय एनिमल्स क्या आ जाएगा भैया एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ग्रेज्ड बाय एनिमल्स एरिया ऑफ ट्रायंगल दोस्तों हाफ 2 बेस हाइट बोल सकता हूं और ये कितना आ रहा है 77/4 यस और नो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस बेस हाइट और हमें पता है कि ये 90 है ये 90 है तो बेस 7 हो जाएगा हाइट 24 हो जाएगी ठीक है तो बेस आपका हो गया 7 हाइट हो गई आपकी 24 ये आ गया 77/4 2 12, 12 जा तो 12, 12 7 जा 12 7 जा कितना होता है एट्टी फोर माइनस सेवनटी सेवन बाय फोर दोस्तों फाइनल आंसर एट्टी फोर सेवनटी सेवन फोर को आप डिवाइड कर लीजिए फोर से करते हैं तो फोर वन जावन इच फोर नाइन जर्टी सिक्स वन बचा, बचा. पॉइंट लगा के जीरो तो फोर टू 8 एट यहां पे टू बचा यहां पे जीरो फोर फाइव 19.25 नाइनटीन पॉइंट टू फाइव कितना आ रहा है आंसर नाइनटीन पॉइंट टू फाइव यहां पे कितना आ रहा है पॉइंट टू फाइव सही है ना सही है ठीक है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया भैया क्या नाइनटीन पॉइंट टू फाइव क्लियर है क्लियर है चलिए तो एट्टी फोर माइनस नाइनटीन पॉइंट टू फाइव कर लो एट्टी फोर पॉइंट जीरो जीरो लिख लो यहाँ पे नाइनटीन पॉइंट टू फाइव लिख लो टेन में से फाइव गया फाइव बचा यहाँ पे नाइन में से टू गया सेवन बचा यहां पे कितना भैया थ्री कर लो थर्टीन में से नाइन गया फोर बचा पे सेवन गया सिक्स बचा सिक्सटी फोर पॉइंट सेवन फाइव कितना क्लियर है आराम है। है? से देख लीजिए ठीक है आसान सा क्वेश्चन तो देखो यार एरिया रेडू रे सर्कल्स में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना है डेसिमल में आंसर निकालना है बस ठीक है इसमें अच्छी बात यह थी कि आपको सेक्टर 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 के एंगल पता नहीं है हमने क्या दिमाग लगाया हॉर्स ने कितना एरिया करा एरिया ऑफ सेक्टर विद एंगल थी टू विद एंगल थीटा टू एरिया एरिया ऑफ सेक्टर विद एंगल थीटा थ्री एरिया ऑफ सेक्टर विथ एंगल थीटा वन तो एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर सब में मैंने कॉमन निकाला थीटा थीटा थी, थीटा की वैल्यू पूरी हो गई ठीक चलिए भैया अब यहां पर दोस्तों एक नया कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए आता है समझना क्लॉक वाला कॉन्सेप्ट ठीक है क्लॉक वाला सुनिएगा क्या बोल रहे हैं भैया सबसे पहले मुझे बताओ घड़ी होती है घड़ी आप लोगों ने देखी है हाँ सर घड़ी देखी होगी ना घड़ी में वैसे तो तीन कांटे होते हैं एक सेकेंड का कांटा होता है जो हर सेकंड मूव करता है एक मिनट का कांटा होता है जो हर मिनट मूव करता है एक आवर का कांटा होता है जो हर घंटे में मूव करता है समझ में आया मतलब घंटे का कांटा होता है आवर का मतलब आवर हैंड होता है ना आप ऐसा नोट कर सकते हो एक आपका आवर हैंड होता है एक आपका मिनट हैंड होता है और एक आपका सेकेंड हैंड होता है ठीक है चलिए कांटा घड़ी के कांटे की बात करी जा रही है दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हो क्या आप मुझे बता सकते हो जो मिनट हैंड होता है जो मिनट हैंड होता है वो 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 सिक्सटी मिनट्स में, में कितना डिग्री मूव करता है सोच के देखो सोच के देखो मैंने ये सर्कल बनाया सर्कल मतलब तो क्लॉक बनाई ठीक है इमेजिन करना ठीक है या आपका बारह या आपका एक या आपका दो या आपका तीन या आपका चार या आपका पांच या आपका छ ठीक है ये आपका सात ये आपका आठ अच्छे से ही बना लेते हैं जब बना रहे हैं तो देखना जरा एकदम आराम से देखिएगा बरखुरदा ठीक है गुरु जी आपका आपका बारह आपका एक ये आपका दो ये आपका तीन ये आपका चार ये आपका पांच ये आपका छह ये आपका सात ये आपका आठ ये आपका नौ ये आपका दस ये आपका ग्यारह ठीक तो जो मिनट हैंड होता है जो मिनट हैंड होता है जो मिनट हैंड होता है वो 60 मिनट्स में कितना डिग्री मूव करता है सिंपल है है भाई 60, भाई भाई 60 60 पहले ये ये मान लो मिनट्स होंगे तो मिनट का मतलब क्या होता है? कि ये कांटा इधर आ जाए दस मिनट का मतलब ये कांटा इधर आ जाए पंद्रह मिनट का मतलब ये कांटा इधर आ जाए बीस मिनट का मतलब ये कांटा इधर आ जाए सिक्सटी मिनट्स का मतलब ये पूरा एक रिवॉल्यूशन ले ले समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है तो अगर मैं मिनट हैंड की बात करूं प्लीज ध्यान देना अगर मैं मिनट हैंड की बात करूं किसकी अगर मैं मिनट हैंड की बात करूं तो वो सिक्सटी मिनट्स में ध्यान देना वो मिनट्स में पूरा एक चक्कर वो सिक्सटी मिनट्स में पूरा एक चक्कर पूरा एक चक्कर घूम लेता है मतलब कितना थ्री सिक्सटी डिग्री घूम लेता है कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत इसमें मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए ठीक है तो मिनट्स में इतना डिग्री घूम लेता है तो एक मिनट में कितना घूमेगा सिक्सटी को नीचे भेज दो सिक्सटी को नीचे भेज दो थ्री सिक्सटी बाय सिक्सटी जीरो डिग्री मूव करेगा क्या ये बात समझ आई इस चीज को आप लोग याद भी रख सकते हो बाकी क्वेश्चन आता तो आप निकाल भी सकते हो क्या ये बात समझ आई जो मिनट हैंड होता है जो मिनट हैंड होता है वो एक मिनट में छह डिग्री मूव करेगा तो मुझे बताओ पांच मिनट में कितना मूव रहा पांच मिनट समझते मतलब अगर मैं आपसे पूछूं भाई अभी ये कांटा बारह पर है पांच मिनट बाद एक पर आ जाएगा तो उसने कितना डिग्री मूव करा कितना डिग्री मूव करा आप समझ लो ठीक है वैसे ही अभी मिनट हैंड मान लो यहां पर है वो यहां पर आ गया तीन पर आ गया इस पर तीन पर आ गया समझ नहीं? वो तीन पर आ गया कहां पर आ गया वो तीन पर आ गया ठीक है इसको पहले मिटाते हैं तीन अच्छे से बनाते हैं ठीक है वो आपका तीन पर आ गया मिनट हैंड आपका तीन पर आ गया तो यहां पर था यहां पर आ गया कितना डिग्री मूव करा कितना डिग्री मूव करा सर पता नहीं पर इतना तो पता है बारह पर था तीन पर आ गया तो पांच 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 पंद्रह मिनट तो एक मिनट में छह डिग्री मूव कर रहा है तो पंद्रह मिनट में पंद्रह इंटू छ नब्बे डिग्री मूव करेगा समझ में आ रहा है बस इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि मिनट हैंड कितने मिनट में कितना डिग्री मूव कर सकता है इतना याद रखना है साठ मिनट में थ्री सिक्सटी मूव करता है वैसे 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 वैसी अगर मैं आवर एंड की बात करूं घंटे वाला घंटे वाला कांटा छोटा होता है जो ठीक है वही चीज क्या ये बारह ये एक ये दो ये तीन ये चार ये पांच ये छत ये, ये आठ ये नौ ये दस ये ग्यारह ठीक है आवर एंड होता है सोच के देखो जो आवर हैंड होता है वो भाई अभी बारह बज रहे हैं, फिर एक बज रहा है फिर दो बज रहा है फिर तीन बज रहा है फिर चार बज रहा है फिर पांच बज रहा है फिर छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह कितने घंटे में वो पूरा थ्री सिक्सटी डिग्री घूम लेगा ये बताओ कितने घंटे में वो पूरा थ्री सिक्सटी डिग्री मूव कर लेगा सिंपल है नु? जब ये इधर है जब ये इधर है एक घंटा होगा मतलब वो एक पर आ जाएगा दो घंटा होगा मतलब तीन दो पर आ जाएगा तीन घंटे पे तीन पर चार घंटे में चार पर समझ लो एक घंटे एक में एक एक घंटे मूव ऐसे स्विच करेगा तो वो थ्री सिक्सटी डिग्री कितने घंटे मूव कर लेगा बारह घंटे में क्या ये बात समझ आ रही है क्या ये बात समझ आ रही है क्या कि जो आवर हैंड होता है वो बारह घंटे में थ्री सिक्सटी डिग्री मूव कर लेता है क्या बारह घंटे में थ्री सिक्सटी डिग्री मूव कर लेता है तो एक घंटे में कितना करेगा एक घंटे में कितना करेगा सिंपल है एक घंटे में मतलब मान लो बारह पे था अब एक पर आ गया समझ गए या तो मान लो पांच पर था अब पर आ गया तो कितना डिग्री मूव करा समझ में आ रहा है ठीक है तो बारह नीचे गया बारह नीचे गया तो यह आ गया थ्री सिक्सटी बाय बारह तो ट्वेल्व थ्रीजा यह आ गया थर्टी डिग्री मतलब एक घंटे में आवर हैंड थर्टी डिग्री मूव करता है क्या ये लॉजिक समझ में आया क्या ये समझ में है अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं फिर आपको शायद बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कहना क्या चाह रहा हूं देखो बोर्ड टर्म बोट दो हजार इक्कीस बात कर रहे हैं दोस्तों मिनट हैंड 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 याद hand, याद करो करो थ्री सिक्सटी डिग्री मूव करता है याद रखना है ठीक है द मिनिट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज एट्टी फोर सेंटीमीटर लॉन्ग जो क्लॉक का मिनट हैंड है जो क्लॉक का मिनट हैंड है वो 84 सेंटीमीटर लॉन्ग है जो क्लॉक का मिनट हैंड है वो 84 सेंटीमीटर लॉन्ग है देखना जो क्लॉक का मिनट हैंड है वो 84 सेंटीमीटर लॉन्ग है ठीक है तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ मिनट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्या बोल रहे क्या पूछ रहे द डिस्टेंस कवर डिस्टेंस कवर निकालना है बाय द टिप भाई मिनट हैंड ऐसा होता है उसकी जो टिप होगी उसकी टिप होगी वो टिप उसका कितना डिस्टेंस कवर कर रही है from 10 10 am to 10 25 am 10 10 am to 10 25 am दोस्तों 10 10 am का मतलब क्या ये 12 ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये 6 ये सात, ये आठ, ये नौ, ये दस, ये ग्यारह. ठीक है सुनते जाना ध्यान से ठीक है दोस्तों दस बज के दस मिनट दस बज के पच्चीस मिनट दस बज के दस मिनट में मिनट हैंड इधर होगा ये सुन लो 10 बज के 25 मिनट में मिनट हैंड इधर होगा यस यस और और नो नो समझ में आया अब वो लोग क्या कह रहे हैं वो लोग क्या कह रहे हैं कि टिप ने टिप ने कितना डिस्टेंस मूव करा कितना डिस्टेंस मूव करा क्या बात समझ आ रही टिप ने कितना डिस्टेंस मूव मतलब करा मतलब मोटा मोटा आप इतना समझो भाई ये इधर था अब ये इधर आ गया तो टिप ने कितना डिस्टेंस मूव करा टिप ने कितना डिस्टेंस मूव टिप ने कितना भाई ये नहीं पूछा कितना एरिया कवर हुआ है टिप ने कितना डिस्टेंस मूव करा मतलब ये वाला डिस्टेंस निकालने की बात चल रही है

क्लियर हुआ पर लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या आप बोलो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला थीटा बाय 360 सिक्सटी इंटू टू पाई आर ठीक है थीटा कितना पता नहीं इसीलिए आपको मैंने वो कॉन्सेप्ट सिखाया थीटा कितना मतलब जब दो पर था फिर पांच पर आया तो कितना एंगल बनाया कितना सेंट्रल एंगल बना कितना बना सिंपल है आप लोग जानते हो मिनट हैंड के केस में क्या मिनट हैंड के केस में मिनट हैंड की किस्म आप लोग जानते हो कि 60 मिनट में 360 डिग्री मूव करता है मतलब एक मिनट में 60 नीचे जाएगा तो 360 60 सिक्स डिग्री मूव करेगा मिनट में सिक्स डिग्री मूव करेगा पर कितना मिनट मूव हुआ पांच मिनट पांच मिनट पांच मिनट पंद्रह मिनट तो पंद्रह मिनट में सिंपल है पंद्रह मिनट में यहां पे पंद्रह मल्टीप्लाई करा यहां पे पंद्रह मल्टीप्लाई करो तो 15 मिनट में 15 मिनट में 90 डिग्री मूव करेगा मिनट हैंड समझ में आया भाई ये पहले दो पर था ये पांच पर आया मतलब 15 मिनट हुआ 15 मिनट में 90 डिग्री मूव करेगा मतलब सेक्टर का एंगल 90 डिग्री हो गया सॉल्व कर दो इधर तो 90 बाय थ्री सिक्स इंटू टू इंटू ट्वेंटी टू सेवन और मिनट हैंड की लेंथ आपको 84 सेंटीमीटर दे रखी है तो सेवन वन जा टू बचा सेवन टू जा, ठीक जीरो जीरो गया, नाइन वन जा नाइन फोर जा फोर वन जा फोर थ्री जा थ्री टू जा सिक्स मेरे ख्याल से वन थर्टी टू आएगा है ना यह आपका वन थर्टी टू सेंटीमीटर समझ गए वन थर्टी टू सेंटीमीटर क्लियर है पक्का चलिए तो यह आपका कॉन्सेप्ट था एक ये कर लो क्या बोल रहे

मिनट हैंड पहले मान लो इधर था पांच मिनट बाद जाहिर सी बात है इधर आ जाएगा ठीक है तो ये कितना एरिया कितना एरिया स्वीप करा उसने कितना एरिया स्वीप करा मतलब तो एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर पर उसके लिए एंगल पता होना चाहिए सिंपल है अगर मैं अगर मैं मिनट हैंड की बात करता हूं अगर मैं मिनट हैंड की बात करता हूं तो भैया साठ मिनट में साठ मिनट में थ्री सिक्सटी डिग्री मूव करेगा हमको ये बेसिक बात पता है पूरा लिखते हैं, साठ मिनट में थ्री डिग्री मूव करेगा तो एक मिनट में डिग्री मूव करेगा तो पांच मिनट में तीस डिग्री मूव करेगा तो ये आपके सेक्टर का एंगल आ गया ये आपके सेक्टर का एंगल आ गया बहुत बढ़िया अब एरिया निकालने को बोला सेक्टर का तो एरिया बाय

ट्वेंटी टू इंटू 14, वन फिफ्टी फोर बाई थ्री आ रहा है वन फिफ्टी फोर बाई थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर इसको आप डेसिमल में सॉल्व कर लीजिएगा ठीक है इतना एरिया एक मिनट एंड पांच मिनट में स्वीप करेगा अगर उसकी लेंथ फोर्टीन सेंटीमीटर है तो बस ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखो बस ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखो चलिए 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 अब आ जाते हैं दोस्तों अब आ जाते हैं दोस्तों सेगमेंट ऑफ अ सर्कल सेगमेंट चलो सेगमेंट की पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं ठीक है पहले इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बढ़िया सवाल है लास्ट सवाल सेक्टर का और उसके बाद सेगमेंट ऑफ अ सर्कल की बात करेंगे ठीक है क्या बोल रहे अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर थर्टी फाइव एम एम क्या बोल रहे एक ब्रूच कुछ ऐसा शेप बनाया जा रहा है एक ब्रूच कुछ ऐसा शेप बनाया जा रहा है समझ लो विद सिल्वर वायर सिल्वर वायर से बनाया जा रहा है जिसका डायमीटर इतना इतना 35 mm दिया हुआ है द वायर इज दल्सो यूज इन मेकिंग फाइव डिवाइड द सर्कल इंटू टेन इक्वल सेक्टर एज शोन नहीं समझ में फिर से रीड करो फिर से रीड करो क्या बोला अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल एक ब्रूच एक शेप बनाया गया सिल्वर वायर की मदद से इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल सिल्वर वायर की मदद से एक शेप बनाया गया इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल दोस्तों मतलब सिल्वर वायर से सर्कल बनाया गया समझ लो सिल्वर वायर यूज करके सर्कल बनाया गया समझ लो सिल्वर वायर यूज करके सर्कल बनाया गया ठीक है और क्या बोल रहे द वायर जो सिल्वर वायर है इज ऑल्सो यूज सिल्वर वायर को ऑल्सो यूज करा गया पांच डायमीटर बनाने के लिए पांच डायमीटर मतलब समझ लो एक डायमीटर के एक डायमीटर के एक डायमीटर के एक डायमीटर के और एक डायमीटर के इसमें भी सिल्वर वायर लगा हुआ है तो जितना पर्पल पर्पल वाला पार्ट है जितना पर्पल पर्पल वाला पार्ट है वो पूरा आपका सिल्वर वायर से बन रखा है समझ में आ रहा है मतलब सर्कल सिल्वर वायर से बना और पांच डायमीटर आपके सिल्वर वायर से बने हुए हैं ठीक है अब क्या बोल रहे जब मैंने डायमीटर बनाए तो मुझे दस इक्वल सेक्टर मिले मतलब एक सेक्टर ये मिल रहा है एक सेक्टर ये मिल रहा है एक, एक सेक्टर ये मिल रहा है एक सेक्टर ये मिल रहा है एक सेक्टर ये 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 और एक सेक्टर ये क्लियर है ठीक है भैया सेक्टर भी आपको समझ में आ गया चलिए ये चीज याद रखना सिल्वर वायर कहां कहां लगा है पांच डायमीटर में और सर्कल के सर्कम्फ्रेंस में द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड क्या पूछा द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड आप सिर्फ इतना याद रखो भैया सिल्वर वायर कहां कहां लगा है सर्कल के सर्कम्फ्रेंस पे और पांच डायमीटर पे तो आपके बोला टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड कितने सिल्वर वायर की लेंथ मतलब जो सिल्वर वायर होगा वो कितने वो कि उसकी लेंथ क्या होगी कि उससे सर्कल भी बना लिया जाए और पांच डायमीटर भी बना लिया जाए कितनी लेंथ होगी सिंपल है दोस्तों जितना सर्कल का सरकम होगा प्लस जितना पांच डायमीटर की लेंथ होगी उतना ही तो सिल्वर वायर चाहिए होगा भाई जितना सर्कल का सरकम होगा जितना पांच डायमीटर की लेंथ होगी उतना ही तो सिल्वर वायर चाहिए होगा ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या सिंपल करना, वापलो कल सर्कल पे सिल्वर वायर लगाए प्लस प्लस लेंथ ऑफ फाइव डायमीटर क्या प्लस लेंथ ऑफ फाइव डायमीटर्स, क्लियर है हमसे ये पूछा कि कितना सिल्वर वायर की लेंथ रिक्वायर्ड होगी पांच डायमीटर में सिल्वर वायर लगा आप समझ रहे हो ये सिल्वर वायर लगा है पर्पल पर्पल वाले पार्ट में तो पांच डायमीटर में सिल्वर वायर है और सरकमफ्रेंस में तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल मतलब टू पायर पांच डायमीटर मतलब डायमीटर को आप पांच इंटू टू आर लिख सकते हो या चलो फाइव डायमीटर लिख दो कोई दिक्कत नहीं है ठीक अब देखो भैया क्या बोल रहे हैं तो जो तो 2r को d बोल सकता हूँ तो इसको मैं d pi plus d 5d कह देता हूँ कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं अब देखो तो 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 डायमीटर 35 mm दे रखा है तो यहाँ पे लिखा 35 पाई की जगह 22 by 7 plus डायमीटर 35 तो 5 into 35 इसको आप सॉल्व कर लेना ठीक है या कर ही देता हूँ चलो 7 5 जा तो 22 5 जा या फिर आप ऐसा कर सकते हो आ

पांच डायमीटर और सर्कल का बाहर वाला पार्ट बनाने के लिए क्लियर हो गया फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर तो दोस्तों ईच सेक्टर मतलब आपको ये वाले सेक्टर का एरिया निकालना सेक्टर का एरिया निकालने के लिए सेक्टर का एंगल पता होना चाहिए सेक्टर का एरिया निकालने के सेक्टर का एंगल और रेडियस पता होना चाहिए रेडियस तो चलो पता चल जाएगा डायमीटर का आधा कर लेना एंगल कैसे पता चलेगा उन्होंने बोला इक्वल सेक्टर है। टेन इक्वल सेक्टर तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि पूरा एंगल थ्री सिक्सटी होता है पूरा एंगल थ्री पार्ट में डिवाइड हो गया पूरा एंगल थ्री पार्ट में डिवाइड हो गया तो भैया ए सेंट्रल एंगल सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर कितना हो जाएगा सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर पूरा एंगल थ्री सिक्सटी होता है वो टेन पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो यह आ गया थर्टी सिक्स डिग्री सेंट्रल एंगल आ गया थर्टी सिक्स डिग्री तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालने को बोला थीटा थ्री सिक्सटी इंटू पाई आर थीटा कितना थर्टी सिक्स बाय थ्री सिक्सटी इंटू ट्वेंटी टू बाय सेवन रेडियस कितना थर्टी फाइव 2 टू इंटू थर्टी फाइव टू ठीक इसको दोस्तों आप लोग सॉल्व कर लेना आप लोग का आंसर आ जाएगा एमएम mm, स्क्वायर में है ना मिलीमीटर स्क्वायर में क्योंकि डायमीटर आपको एमएम mm में दिया हुआ है ठीक एरिया ऑफ इ सेक्टर निकल जाएगा चलिए अब फाइनली दोस्तों लास्ट के कुछ क्वेश्चंस पर पहले समझते हैं सेगमेंट का मतलब क्या होता और फिर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालना वो सीखेंगे सेगमेंट का पहले मतलब समझो सेगमेंट क्या होता है अच्छा सेक्टर क्या होता था सेक्टर क्या होता था दो रेडियस और आर्क मिलकर दो रेडियस और आर्क मिलकर दो रेडियस और आर्क मिलकर जो शेप बनाते उसको हम लोग सेक्टर कहते हैं अगर वो आर्क माइनर आर्क है तो माइनर सेक्टर कहलाता है अगर वो आर्क मेजर आर्क है तो मेजर सेक्टर कहलाता है यहां पे भी दोस्तों कुछ ऐसा ही है समझना क्या ठीक है मान लो ये आपका सर्कल है वहां पे रेडियस और आर्क मिलके रेडियस और आर्क मिलके रेडियस और आर्क मिलके शेप बन रहा था यहाँ पर कॉर्ड और आर्क मिलकर बनेगा क्या बोला है? मैंने कॉर्ड और आर्क मिलकर समझना दोस्तों मान लो मैंने ये कॉर्ड ली मान लो मैंने बताओ ये आर्क माइनर है या मेजर है ये आर्क माइनर है मेजर के भाई सेमी सर्कुलर आर्क कितनी बड़ी होगी उससे तो छोटी है ये तो ये आपकी माइनर आर्क होगी सोर ये आपकी माइनर आर्क होगी मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि माइनर आर्क और कॉर्ड मिलकर माइनर आर्क और कॉर्ड मिलकर माइनर आर्क और कॉर्ड मिलकर जो शेप बनाते हैं उसको मैं कहूंगा माइनर सेगमेंट क्या कहूंगा माइनर सेगमेंट ठीक अब यहीं पे अब यहीं पे मान लो मैंने एक और सर्कल बनाया ठीक है यहां पर मैंने एक और कॉर्ड बनाई यहां पर मैंने समझना एक कॉर्ड बनाई इस बार क्या समझना इस बार क्या कि भैया ये कॉर्ड है ये कॉर्ड और ये वाली आर्क मिलकर भाई ये भी तो आर्क है ये भी तो आर्क है हां सर तो ये कॉर्ड ये आर्क ये कॉर्ड ये आर्क ये कॉर्ड ये आर्क और हम सबको पता है ये आपकी मेजर आर्क है ये आपकी मेजर आर्क है ठीक है तो ये कॉर्ड और ये आर्क मिलके जो शेप बनाते हैं इसको भी मैं सेगमेंट कहता हूं बस क्योंकि मेजर आर्क बना रही है सेगमेंट तो इसको मैं मेजर सेगमेंट कहता हूं इसको मैं मेजर सेगमेंट कहता हूं क्लियर हुआ माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का कॉन्सेप्ट सोच लो आराम से क्या कॉर्ड और आर्क कॉर्ड और आर्क कॉर्ड और आर्क कॉर्ड और आर्क मिलकर जो शेप बनाते उसको मैं सेगमेंट कहता हूं कॉर्ड और आर्क कॉर्ड और आर्क कॉर्ड और आर्क मिलके जो शेप बनाता हूं फर्क क्या अगर वो आर्क माइनर है तो माइनर सेगमेंट बनेगा और अगर वो आर्क मेजर मेजर है तो सेगमेंट बनेगा अब इस सेगमेंट के एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो कि आर डी शर्मा ने दिया हुआ है पर एनसीआर में नहीं दिया हम लोग बिना फॉर्मले के भी कर सकते हैं मैं आपको बिना फॉर्मले के ही सिखाऊंगा कैसे एक क्वेश्चन देख लो बाकी सब आपको क्लियर एक बार में हो जाएगा बस एक क्वेश्चन देख लो ठीक है चलिए क्या दे रहे क्वेश्चन में आराम से रीड करो क्या दे रहे फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल सेगमेंट का एरिया निकालना है सेगमेंट का एरिया निकालना है सेगमेंट मतलब कॉर्ड और आर्क मिलके कॉर्ड और आर्क मिलके कॉर्ड और आर्क मिलके जो एरिया बन रहा है वो निकालना है गिवन दैट द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 120 सेक्टर का एंगल 120 दिया हुआ है रेडियस ऑफ द सर्कल इज ट्वेंटी सेक्टर कहां से आ गया बताता हूँ बताता हूँ मान लो ये सर्कल है ठीक है सर ठीक है मान लो ये आपका सर्कल का सेंटर है ठीक है सर ठीक है दोस्तों मान लो कि मैंने सेक्टर बनाया मान लीजिए मैंने सेक्टर बनाया ठीक है सेक्टर चलो एक काम करते थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं बड़ा तो चलो क्या ही बनाएंगे मान लो कि मैंने सेक्टर बनाया है। ठीक कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं आप समझना सेक्टर का एंगल आपको 120 डिग्री दिया हुआ है सेक्टर का और बड़ा डायग्राम बनाते हैं दोस्तों यार है ना ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा ये सर्कल ठीक 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 सर्कल का सेंटर सर्कल का सेंटर ठीक 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 ये मैंने दो रेडियस बना लिया ठीक है दोस्तों दो सेक्टर का एंगल ये आपका सेक्टर है रेडियस आर्क रेडियस आर्क रेडियस आर्क ठीक है एंगल आपको 120 डिग्री दे रखा है सेक्टर का एंगल आपको 120 डिग्री दे रखा है ठीक है सेगमेंट का एरिया निकालने को बोल रहे सेगमेंट मतलब दोस्तों सिंपल मान लो आपने कॉर्ड बनाई मान लो आपने कॉर्ड बनाई ठीक है तो यह आपकी कॉर्ड है ये आपका आर्क है ये आपकी कॉर्ड है ये आपका आर्क है आपको इसका एरिया निकालने को बोला गया है आपको इसका एरिया ऑरेंज वाला एरिया आपको निकालने को बोला गया और आपको क्या दे रहे हैं और आपको क्या दे रहे हैं दोस्तों आपको दिया जा रहा है रेडियस 21 सेंटीमीटर और यहां पर भी आपको रेडियस 21 सेंटीमीटर दिया जा रहा है ठीक ठीक है सर ठीक है सर अब बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है। क्या कुछ दिमाग लगा सकता हूं मुझे बताओ सेक्टर का एरिया मतलब क्या ये पूरा एरिया यस और नो सेक्टर का एरिया अगर आप निकालने जाओगे तो क्या आएगा ये पूरा एरिया आएगा यस और नो यस और नो ये पूरा ब्लू वाला एरिया सेक्टर का एरिया यस और नो यस सर यस सर अगर मैं सेक्टर के एरिया से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दू मैंने क्या करा मैंने ब्लू वाले एरिया से ब्लू वाले एरिया से येलो वाला एरिया माइनस कर दिया तो ऑरेंज वाला पार्ट बचेगा यस और नो भाई ब्लू वाले से मैंने येलो वाला माइनस कर दिया तो ऑरेंज वाला पार्ट बचेगा यस और नो मतलब ब्लू वाले एरिया से अगर मैं ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दू तो मुझे ऑरेंज वाला एरिया नहीं सेगमेंट का एरिया मिलेगा बस यही आपको यहाँ पे समझना है क्या कि भैया कि भैया कि भैया मान लो इसको ओ बोला इसको ए बोला इसको बी बोला इसको मान लो सी बोल दिया ठीक है चलिए तो आपको बस ये समझना है कि एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी एरिया ऑफ सेगमेंट विल बी इक्वल टू विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी समझ में आया भाई सेक्टर के एरिया से आप ट्राइंगल का एरिया हटा दो तो आपको ऑरेंज वाला यानी सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा बस अब यहां पे थोड़ा सा मेहनत है थोड़ा नहीं एक्चुअली काफी मेहनत है देखना क्या एरिया ऑफ सेक्टर तो बच्चा बच्चा जानता है क्या? इन्टु, बेस इन्टु हाइट होता है. सही बात है बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है छोड़ दो इसको अब समझना अब समझना थीटा तो पता है आर तो पता है बेस इंटू हाइट क्या ट्रैंगल का एरिया कैसे निकलेगा ट्रगल का एरिया कैसे निकलेगा हाइट तो दी ही नहीं है और बेस भी नहीं पता तो यहां पे थोड़ा सा मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा मैंने क्या करा मैंने क्या करा परपेंडिकुलर गिराया मान लो पी ओ पी बी पर ठीक है अब समझना तो इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा बेस बी हाइट ओपी बेस ए बी हाइट ओपी बेस ए बी ओपी बेस ए बी ओपी बेस ए बी हाईट ओपी नो पर सर ओपी कैसे निकलेगा और ए बी कैसे निकलेगा ओपी कैसे निकलेगा और ए बी कैसे निकलेगा ओपी कैसे निकलेगा ए बी कैसे निकलेगा ट्रिग्नोमेट्री की मदद मतलब से याद रखना ट्रिग्नोमेट्री की मदद मतलब सर ये कैसे बताता हूं सबसे पहले सबको एक बात तो क्लियर है क्या अच्छा ए ओ बी पी को मैं अलग बनाता हूं पहले ए बी को मैं अलग बनाता हूं इधर देखना आप लोग है ना आराम से देखो ए ओ बी को अलग बनाया आपका ओ या आपका बी ये मैंने परपेंडिकुलर यहां पर गिराया है ना पी दोस्तों ट्वेंटी वन है ये ट्वेंटी वन अच्छा की? ये पूरा वन ट्वेंटी है ये पूरा वन ट्वेंटी है।, है दिस पूरा इज वन ट्वेंटी क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रूमेंट होंगे सोच करके देखो क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रोवेंट नहीं होंगे बिल्कुल होंगे कॉन्ग्रोवेंट कैसे देखो ना दोनों ट्राइंगल 90 ओपी आपका कॉमन साइड 90 के सामने वाला हाइपो इक्वल तो आर एच एस दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रोवेंट होंगे आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है बस सुनना मेरी बात बाय आर एच एस आप कह सकते हो बाय आर एच एस आप कह सकते हो कि भैया क्या की ट्राइंगल ओपीएस समझना ट्रैंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुवेंट होगा ओ पी ए कॉन्ग्रुवेंट होगा ट्राइंगल ओ पी बी के यस और नो अच्छा तो इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये एंगल आपका 60 हो जाएगा ये एंगल आपका 60 हो जाएगा दोनों एंगल बराबर ठीक है तो वैसे ही ए पी बराबर पी बी हो जाएगा कोई दिक्कत क्या मैं ऐसा कह सकता हूं बाय सी पी सी टी से अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुवेंट तो उनका सब कुछ इक्वल मतलब एंगल ओ ओ पी मतलब एंगल ए ओ पी बराबर होगा एंगल बी ओ पी के ठीक है और एपी बराबर पी होगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा ठीक है अच्छा अब मैं क्या करूंगा दोस्तों आपको ट्रेंगल एओपी दिखाई दे रहा है आपको ट्रैंगल एओपी दिखाई दे रहा है ए पी ट्राइंगल दिखाई दे नाइनटी है।, है।, है ये सिक्सटी है और ये ट्वेंटी है दोस्तों हमें क्या निकालना है ट्राइंगल की हाइट और बेस हाइट और बेस हाइट और बेस हाइट और बेस मतलब

तो मान लो अगर अपन को ओपी निकालना तो बेस निकालना है मान लो पहले अपन ओपी निकालने जा रहे हैं मतलब बेस निकालने जा रहे हैं तो बेस निकालना है हाइपो इक्कीस दिया, दिया है तो बेस और हाइपो कॉस सिक्सटी होता है बेस कितना बेस आपका ओपी हाइपो ट्वेंटी वन कॉस सिक्सटी आपका कितना होता है वन बाई टू क्लियर है तो ओपी आपका आ गया ट्वेंटी बहुत बढ़िया ओपी आपका आ गया बहुत बढ़िया। वैसे 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 ही, ही, ही। अब हाइपो दिया है निकालना दिया है, तो हाइपो दिया ये होता है आपका साइन सिक्सटी साइन सिक्सटी उस रूट थ्री बाय टू होता है ठीक है परपेंडिकुलर कितना एपी हाइपो कितना ट्वेंटी वन तो AP की वैल्यू आ गई ट्वेंटी वन रूट थ्री बाई टू और AP ट्वेंटी वन रूट थ्री बाई टू आ गया तो AP का डबल ए बी होगा या फिर ऐसा कह सकता हूं AP और पी बी बराबर होगा ट्वेंटी वन रूट थ्री बाई टू तो बेस ऑफ द ट्राइंगल यानी ए बी किसके बराबर होगा AP -पी प्लस पीबी के AP -पी कितना ट्वेंटी वन रूट थ्री बाय टू कितना ट्वेंटी वन रूट थ्री बाय टू तो बेसिकली दोस्तों ट्वेंटी वन रूट थ्री प्लस ट्वेंटी वन रूट थ्री यानी टू रूट थ्री बाई टू तो बेसिकली दोस्तों आपका 21 3 आ जाएगा. कोई दिक्कत कोई दिक्कत ठीक है समझ गया ना टू वन जा टू टू जा तो बस ट्राइंगल की ट्रायंगल की ट्रायंगल की हाइट आ गई बेस आ गया ट्रैंगल की हाइट आ गई बेस आ गया ट्रायंगल की हाइट आ गई बेस आ गया ठीक है ट्रायंगल का बेस आ गया हाइट हाइट आ गई ठीक है बहुत बढ़िया तो कर लो 21/2 21√3 इधर देखना इधर देखना इधर देखना तो भैया सबसे पहले सॉल्व करो थीटा कितना थीटा आपका 120 तो 120/360 22/7 लेने को बोला है हाँ, आर कितना दोस्तों r आपका 21 21 1/2 तो तो बेस कितना आ रहा है आपका ट्वेंटी वन रूट थ्री हाइट कितनी आ रही है ट्वेंटी है ओपी और बेस आपका ट्वेंटी ठीक है ठीके? तो बस आंसर आ गया ट्वेल्व ट्वेल्व थ्री झा थ्री वन जा थ्री सेवन सेवनजा सेवन वन जा ट्वेंटी टू और ट्वेंटी वन यहां पे आ रहा है ट्वेंटी टू इंड ट्वेंटी वन यहाँ पे आ रहा है यहां पे क्या कर लो भैया कटेगा तो है नहीं ट्वेंटी वन इंटू ट्वेंटी फोर फोर्टी वन हो जाएगा इसको आप थोड़ा सॉल्व करो ट्वेंटी टू इंटू ट्वेंटी वन करो वन टूजा टू वन टूजा टू टू डूजा फोर टू डूजा फोर टू सिक्स फोर फोर सिक्सटी टू तो यह आपका आ जाएगा फोर सिक्सटी टू माइनस 441, root 3 by 4. आप ऐसा भी आपका आंसर छोड़ सकते हो. में. या आपके आपके का का आ आ जाएगा. या आपके का एरिया आ जाएगा. है? अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि रूट थ्री की ले, तो ही आप रूट थ्री पॉइंट सेवन थ्री ले और उसके बाद उसको डेसिमल में आंसर निकालें. अदरवाइज आप यहां पर आंसर छोड़ सकते हो कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा क्लियर है आपके सेगमेंट का एरिया आ गया समझ में किस तरीके से करा ऑरेंज वाले का एरिया कैसे निकाला सेक्टर का एरिया से ट्राइंगल का एरिया उड़ा दिया सेक्टर के एरिया से ट्राइंगल का एरिया उड़ा दिया सेक्टर के एरिया का थीटा और तो पता है थीटा और तो पता है थीटा और तो पता है ट्राइंगल का एरिया हाफ बेसेंटू हाइट ट्राइंगल में ना बेस पता है ना हाइट पता तो मैंने हाइट बनाई

तो सर्कल का रेडियस आपका टेन सेंटीमीटर है मेक्स अ राइट एंगल एट सेंटर ऑफ द सर्कल जो कॉड ए बी है जो कॉर्ड ए बी है सर्कल के सेंटर पर नब्बे डिग्री एंगल मतलब ये आपका नब्बे डिग्री हो गया फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर एंड माइनर सेगमेंट फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर एंड माइनर सेगमेंट दोस्तों मेजर सेगमेंट का मतलब कॉर्ड और ये आर्क कॉर्ड और ये आर्क कॉर्ड और ये आर्क ये आपका मेजर सेगमेंट का एरिया ठीक है ये निकालना है और माइनर सेगमेंट मतलब क्या माइनर सेगमेंट का मतलब क्या कॉर्ड और ये आर्क कॉर्ड और ये आर्क कॉर्ड और ये आर्क मतलब एरिया निकालना है तो सबसे पहले बताओ माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे सबसे पहले बताओ माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे बहुत ईजी है इसको ओ बोल दिया मान लो इसको पी बोल दिया बहुत ईजी माइनर सेगमेंट क्या एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालोगे एरिया ऑफ सेक्टर से कितना इजी है भाई पूरा एरिया ऑफ सेक्टर से एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा दो समझ में आ रहा है तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या ओ ए पी बी ओ ए पी बी से माइनस कर दो क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी अब यहां पे पता है अच्छी बात क्या है देखना एरिया ऑफ सेक्टर ओपीपी मतलब थीटा बाय बाई थ्री सिक्सटी इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और आपको सारी वैल्यूज पता है यहां पर क्योंकि आपका ट्राइंगल 90 डिग्री का है ट्राइंगल 90 डिग्री का है तो बेस और हाइट आप इसी को ले सकते हो ठीक है अलग से ये हाइट बनाने की जरूरत नहीं है कोई तो ट्राइंगल की हाइट भाई ये नब्बे है तो इसको हाइट ले लो इसको बेस ले लो समझ गए थीटा कितना? 90 बाय 360 पाई की जगह 22 बाय 7 आर की जगह 10 इंटू टेन माइनस हाफ बेस की जगह टेन हाइट की जगह टेन तो यहां से आपका क्या आ जाएगा यहां से भैया आपका का आ जाएगा बताइए जरा यहां से आपका आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट दोस्तों एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालोगे मेजर सेगमेंट समझ गए ये कॉर्ड ये आर्क ये कॉर्ड ये आर्क ये कॉर्ड ये आर्क तो ये वाला सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे बताओ दोस्तों पिंक वाला एरिया आ गया है तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता एरिया ऑफ मैं पूरा पूरा नहीं करूंगा डिस्कस कर रहा हूं बस एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे आएगा एरिया ऑफ सर्कल से एरिया ऑफ सर्कल से अगर आप एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर दो एरिया ऑफ सर्कल से अगर आप माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दो एरिया ऑफ सर्कल से अगर आप माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या ये बात समझ आई सिंपल है ना देखो ना सोच के देखो पूरे सर्कल का एरिया निकाला पूरे सर्कल का एरिया मतलब येलो वाला एरिया पिंक वाला एरिया येलो वाला एरिया पिंक वाला एरिया पूरे सर्कल के एरिया से पिंक वाला एरिया हटा दो मतलब सर्कल के एरिया से माइनर सेगमेंट का एरिया हटा दो तो येलो वाला एरिया आ जाएगा समझ में आया इस तरीके से आपका माइनर सेगमेंट का एरिया भी निकल जावे चलिए भैया जी इसी के साथ इसी के साथ इसी के साथ इसी के साथ हमारे आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है <laughs> ठीक है गला थोड़ा सा दुख सा गया दोस्तों बट चलो कोई दिक्कत की बात नहीं ठीक है चलिए इसी के साथ दोस्तों आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी देखो तो चैप्टर में ज्यादा कुछ मेरी तरफ से समझाने वाला था नहीं

सेमी सर्कुलर आर्क से बड़ी हो, तो से है तो उसको मैं मेजर आर्क कहूंगा अगर वो आर्क सेमी सर्कुलर आर्क से छोटी है तो उसको मैं माइनर आर्क कहूंगा क्या होता है दो रेडियस और आर्क मिलकर दो रेडियस और आर्क मिलकर जो शेप बनाते हैं उसको मैं सेक्टर कहता हूं अगर वो आर्क माइनर आर्क है तो माइनर सेक्टर हो जाएगा अगर वो आर्क मेजर आर्क है तो मेजर सेक्टर हो जाएगा सेगमेंट क्या होता है भाई कॉर्ड और आर्क मिलकर जो शेप बनाता है उसको मैं सेगमेंट ऑफ द सर्कल बोलता हूं बस फर्क ये सेगमेंट अगर माइनर आर्क के साथ शेप बना रही तो उसको मैं माइनर सेगमेंट कहता हूं कॉर्ड ऐसा सर्कल है या आपका सर्कल है ठीक है कॉर्ड कॉर्ड माइनर आर्क के साथ अगर शेप बना रही तो माइनर सेगमेंट ठीक है कॉर्ड मेजर आर्क के साथ अगर शेप बना रही तो मेजर सेगमेंट समझ में आ गया क्लियर है फिर हम लोगों ने सेक्टर का फॉर्मुला देखा तीन फॉर्मलेस देखे एक तरीके से वहां पे क्या क्या देखा भैया कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मला थीटा बाय थ्री सिक्सटीन टू पाई स्क्वेर एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का एक और फॉर्मुला होता है क्या हाफ इंटू एल इंटू आर जहां पर एल आपका आर्क की लेंथ होता है लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मुला क्या थीटा बाय थ्री सिक्सटीन टू टू पाईआर ये तीन फॉर्मुलेस याद रखिएगा सेगमेंट के एरिया कैसे निकालना है सेक्टर एरिया से, के एरिया से ट्राइंगल का एरिया माइनस करो सेगमेंट का एरिया आएगा समझ में वो ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन याद रखना इंपॉर्टेंट है, है आ सकता है एग्जाम में बहुत ज्यादा चांस है उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मिनट हैंड सिक्सटी मिनट्स में थ्री डिग्री कवर करता है आवर हैंड बारह घंटे में थ्री डिग्री कवर करता है तो वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा ठीक है ठीक है भैया चलिए अब चलते हैं गले को थोड़ा सा रेस्ट देते हैं मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट चैप्टर में तब तक अपना ख्याल रखें मजे करें चल करें कोई दिक्कत कोई परेशानी प्लीज एक बार बता कर जाइएगा है ना टाटा बाय बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर पढ़ाई करते रहो इसके बाद आप क्या करना है इसके बाद बस आप अपने एनसीईआरटी के कुछ बेसिक क्वेश्चंस लगा लो ठीक है वैसे मोटा मोटा दोस्तों लगभग लगभग सॉरी जैसा कि मैंने बोला मेरा गला एकदम जा चुका है थोड़ा सा दुख सर है बट एनी अब आपका काम क्या लेक्चर का अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना तो उसके एक बार फिर से रिपीट कर लो कोई क्वेश्चन टफ लगा कोई क्वेश्चन लगा कि भैया ये थोड़ा सा टफ लगा इसमें अटका था तो उसको एक बार साइड से से फिर से रिपीट कर लो अपनी एनसीआर खोलो लो NCRD के एग्जाम्पल्स कर लो और एनसीआरटी के क्वेश्चन कर लो मोटा मोटा मैंने लगभग सारे एनसीआरटी के क्वेश्चन करा ही दिए हैं बट फिर भी कोई एकाथ रह गया हो तो प्लीज आप उसको भी कर लो कंप्लीट उसके बाद अगर आपके पास कोई एडिशनल एडिशनल क्वेश्चन मत करो सीबीएससी के पीवाई उठाओ पीवाई क्यू में देखो कि एरिया रिलेटेड सर्कल के कैसे कैसे क्वेश्चन आप निपटा दो सीबीएसई वालों एक पर्टिकुलर टॉपिक डिलीट हो गया उसके क्वेश्चन आप मत करिएगा ठीक है चलिए मिलेंगे आप लोगों से फिर कभी और तब तक अपना ख्याल रखें मजे करें चिल करें जो करना है वो करें बस इसका नुकसान ना करें। डेटा बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर बाय बाय